अच्छा जी, मैंने दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। चले जी, मीटिंग स्टार्ट हो गई है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आज जो है हम वो चलिए, लिंक्स हमारी कवर अप हो गई थी, लास्ट क्लास में एंड हो गई थी। आज से हमने जो है वो थोड़ा बहुत पहले हम थोड़ा गेट को थोड़ा टच कर लेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा गेट की थोड़ी सी नोहा हो जाए, देन फिर जो है वो हम डॉकर को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, गेट को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आप लोगों से किसी से पूछना चाहूँगा एनी आइडिया, किसी लोगों ने शायद गेट वगैरह इस्तेमाल भी किया हुआ होगा, तो अगर थोड़ा सा आइडिया दें कि गेट क्या होता है। रिपोजिटरीज के लिए मतलब अपनी एप्लीकेशन की जो रिपोजिटरी होती है वहाँ पर हम लोग उसको प्लेस कर रहे होते हैं और वहाँ से अपना सोर्स कोड एप्लीकेशन का ऐड कर रहे होते हैं, हम ठीक इसके है, लिए यूटिलाइज कर रहे होते हैं। सर वर्जन कंट्रोल के लिए सॉफ्टवेयर के यूज करते हैं तो क्या मैस उसके वर्जन प्राइस कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है, और सर वर्जन कंट्रोल के लिए कोडेड होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। हाँ ठीक है, और सर इसको कोई कोड फोन में 9,000 जो रुपये रखा है तो देखा तो कोड अपडेट करने के लिए ठीक सीआईसीडी में, सीआईसीडी। अच्छा ठीक है, और सही। अच्छा, आंसर देने के बाद ना काइंडली अपना माइक जो है ना म्यूट कर दिया करें दोबारा से, ताकि जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा जी, कुछ लोगों ने बिल्कुल यानी जो है वो सही बात करी है। गिट क्या होता है? गिट हमारे पास बेसिकली क्या है कि गिट एक तरीके का वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है। वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम से मुराद क्या होती है? लेट सपोज कि मैं बात करता हूँ, अगर मैं बिल्कुल अपने लेमैन में बात करूँ कि भाई मैं एक फाइल में काम कर रहा हूँ, मैं कुछ पैराग्राफ लिख रहा हूँ, उसमें मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा। अब मैं यही पैराग्राफ जो है मैं अब कुछ दिनों बाद में कुछ उसमें और एडिट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और कुछ दिनों बाद में कुछ और एडिट करना चाह रहा हूँ। अब एक सर्टेन यानी कुछ दिनों बाद मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कब कब जो है वो इस पैराग्राफ में जो है वो क्या क्या चेंजेस किए हैं। एक ये चीज़ मसला आ रहा है। सेकेंडली चीज़, अगर तो यही चीज़ ऑब्वियसली बात है, अगर एक ही फाइल पे मल्टीपल लोग काम कर रहे होंगे एक ही पैराग्राफ पे, भाई एक फाइल शेयर हुई हुई है जो कि किसी और बंदे के साथ भी हुई है, मेरे साथ भी हुई है, अब उसमें कुछ टेक्स्ट लिखना होता है, मैं भी लिख रहा होता हूँ, वो भी लिख रहा होता है, तो जब एक बंदे जब काम करता तब भी ये इशू आ रहा था, तो जब जी बोलें। अच्छा, वो गलत हो तो गई जब थी दो यार। बंदे काम अभी कर रखो रहे 1500 का, देखो कोई आया। सारे 1600 का है। हाँ, हाँ अभी काइंडली रखो तो माइक बता म्यूट दो। कर दें, अरे सोलह देखो सौ कोई माइक आया माइक नहीं। कर दे भाई प्लीज। कोई भी नहीं पूछेगा, पूछेगा भी नहीं। अरे यार, एक मिनट सर आप खुद रुको, माइक म्यूट कर दें, ये नहीं मानेंगे। हाँ मैं वही करने लगा हूँ, एक मिनट। आई गेस मैंने म्यूट कर दिया सबको अब। या अब मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर मैं जो है ना वो आप एंड रेस कर दिएगा आप लोग, तो फिर अगर किसी का कुछ क्वेश्चन होगा तो फिर हम जब जो है वो देख लेंगे, वरना जो है ना वो डिस्टर्बेंस बहुत होती रहेगी क्लास में। अच्छा जी, मैं क्या था, हाँ गेट का वर्जन कंट्रोलिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा था आप लोगों को। तो फिर क्या होता है कि अगर मल्टीपल लोग अगर उसमें काम कर रहे होंगे, तो अब वैसी बात है, तब ये कन्फ्यूजन जो है या तब ये इशू जो है वो ज़्यादा फेस होगा कि भाई मैंने क्या चेंज किया उसको नहीं पता चल रहा, उसने क्या चेंज किया वो मुझे पता नहीं चल रहा, एक कुछ दिनों बाद या कुछ भी टाइम बाद, और वो चेंज हुआ क्या है ये भी नहीं पता, वो चेंज कब हुआ है ये भी नहीं पता चल रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो अगर हमें ट्रैक करनी हो कि भाई मुझे एक फाइल है जिसके कब कब चेंजेस आ रही हैं, क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, ये सब मुझे ट्रैक करना हो, तो इन सब चीज़ों को कहते हैं वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम। वर्जन कंट्रोलिंग के लिए हमारे पास जो एक बहुत अच्छा टूल, जो कॉमनली टूल जो मार्केट में इस्तेमाल हो रहा होता है, उसको कहते हैं गिट, GIT गिट, ठीक है। तो गिट के थ्रू जो है वो हम बेसिकली ये वर्जन कंट्रोलिंग जो है वो बहुत इजीली कर सकते हैं, इसके थ्रू जो है वो हम जो है वो बता सकें कि भाई कब चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है और किसने चेंज किया है, ठीक है। तो जब वहाँ पूरी सारी जो है वो हिस्ट्री जो है वो गिट हमारे पास जो है वो मैनेज कर रहा होगा, जिसकी मदद से जो है वो हम सारी चीज़ें जो है वो हम देख सकते हैं गिट के थ्रू। यहाँ तक जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो समझ में आया, तो मुझे चैट पे जवाब दें। गुड सीन, थैंक यू। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लास्ट टाइम हमने कहा था कि मेरे ख्याल में गिट तो सबके पास इंस्टॉल हुआ हुआ ही होगा, तो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल अगर मैं ओपन करता हूँ, डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटअप, मैं अभी आ रहा हूँ उस पर हरीफ।
अच्छा जी, मैं पहले स्क्रीन शेयर करूं ताकि मेरा जो है वो आपके पास टर्मिनल नजर आए। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? मुझे चैट पर बता दें। मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही? मेरी आवाज़ सही आ रही है? मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, थोड़ा और जोर से बोल लूँ मैं। या गुड सी है, थैंक यू यार। अच्छा जी, मैं देख लेता हूँ भाई मेरे पास जो है वो गेट इंस्टॉल हुआ हुआ है या नहीं। मैंने GIT लिखा तो देखिए मेरे पास जो है वो आ गया, कुछ ना कुछ लिखा हुआ। एरर नहीं दिया कुछ उसने, इट मीन्स जो है वो इसका मतलब है कि मेरे पास जो है वो किट इंस्टॉल हुआ हुआ है। अगर मैं इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ था तो ऑब्वियसली बात है कि वो मुझे बोल रहा होता कि भाई आपके पास जो है वो किट इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, बता भी दिया उसने, वर्जन भी मुझे सेंड कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो चेक कर सकते हैं, मेक श्योर कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो किट इंस्टॉल हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। जिनके पास हुआ हुआ गुड है, जिनके पास नहीं हुआ हुआ तो वो देख लें काइंडली। अगर वो गूगल से देख सकते हैं, वो इजीली एक दो कमांड्स होती हैं जिसके थ्रू जो आप जो है वो किट इंस्टॉल आपके पास जो है वो हो जाएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ फाइल बना लेते हैं अपने पास, ताकि जो है वो हम 1 मिनट। सर ये थोड़ा टर्मिनल को मैक्सिमाइज कर दें, इजी हो जाएगा देखने में। मैं कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, आपकी चैट ज्यादा नजर आ रही है। सर मैं कर देता हूँ, 1 मिनट दें। आज हम गेट और गिटहब ही पढ़ेंगे, आई थिंक सो आपने हाँ, डॉकर इसके सर। बाद जी, इसके बाद हमें ग्राउंड का भी स्टार्ट करना ही है, तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा देने लगेगी हमें। लिनक्स खत्म, लिनक्स हमने माइंड अप कर दिया। जी, लिनक्स हमने माइंड अप कर दिया। अच्छा सर, वन लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर तक वहाँ पोर्टल में अपलोड है जो आपका लास्ट लास्ट लेक्चर है? क्लास का स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अपलोड नहीं हुआ है, तो जी वो बिल्कुल, बाकी अपलोड हुआ हुआ है। लास्ट क्लास का नहीं हुआ है तो वो मैं देख लेता हूँ कि अपलोड क्यों नहीं हो काइंडली सका। मैं सर। सर से बात कर लूँगा क्लास के बाद, जी सर, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं यहाँ पे टिल्डा पे खड़ा हुआ हूँ, कोई मुझे बताएगा कि मुझे जो है वो डेस्कटॉप पे जाना, तो मैं कैसे जाऊंगा? CDM CD forward slash desktop CD डेस्कटॉप, थोड़ा सा पता चले ना कि आप लोगों की लिनक्स की प्रैक्टिस किससे चल रही थी। करूं एंटर? सर अपना लॉगिन पहले करेंगे ना, SU के साथ से चीजें नहीं करेंगे? मैं तो कर, टिल्डा का मतलब क्या होता है? ठीक है, आप उस पे रूट पे खड़े हो, मैं तो करंट यूजर के होम पे खड़ा हुआ हूँ, सही तो है। यहाँ से डेस्कटॉप मुझे मिल जाएगा CD करके या नहीं? जी सर, नहीं मिलेगा। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट कह रहे CD डॉट डॉट। अच्छा भाई, CD डॉट डॉट कर लेते हैं, CD डॉट डॉट से तो होम पे आया हूँ मैं, डेस्कटॉप पे कैसे जाऊंगा? CD बैक स्लैश देन CD डेस्कटॉप। अच्छा एक मिनट, CD बैक स्लैश और डेस्कटॉप, ये कह रहे हैं आप लोग, तो ये बोल रहा। क्या हो गया गाइस, सर डेस्कटॉप पे जाना है जैसे एलएस करें यहाँ पर प्लीज। LS कह रहे हैं। सर जो टिल्डा पे जहाँ पे आप मौजूद थे ठीक वहां है, पे यहाँ अगर पर आप सर किसी सीडी डेस्कटॉप एडमिन लिखते PC तो में जाएंगे। आप आपको वो ले जाते डेस्कटॉप वन बाय वन बोले, एक एक करके बोले। पे। आप जो है टिल्डा पे ही सीडी डेस्कटॉप लिखें तो डेस्कटॉप पे ले जाएगा, क्योंकि होम डायरेक्टरी के अंदर ही डेस्कटॉप मौजूद है। तो अभी मैं यहाँ पे होम पे खड़ा हुआ ना, अभी होम पे खड़े हुए सीडी डेस्कटॉप लिखें, डेस्कटॉप पे जाएगा। CD डेस्कटॉप नहीं जा रहे तो टिल्डा पे सर, टिल्डा पे यानी रूट के होम पे नहीं, टिल्डा पे। टिल्डा पे जब आप सीडी डेस्कटॉप लिखेंगे तो डेस्कटॉप पे जाएगा, सीडी टिल्डा पे जाएगा। अब सीडी चलाइए। डेस्कटॉप, जी सर सीडी डेस्कटॉप। सही है, चला गया। तो ये जो जो कंफ्यूजन जिनको हो रही थी वो देखें कि क्या था। मैं वहीं पे तो खड़ा हुआ था टिल्डा पे, टिल्डा पे खड़ा होकर मैंने जो खड़ा हुआ, जो मैं रूट के होम पेज पे, तो वहीं से जब मैं CD डेस्कटॉप करूंगा तो डेस्कटॉप पे आ जाऊंगा।
ये प्रैक्टिस करें, इस प्रैक्टिस जो है ना वो प्रैक्टिस से आएंगे आपको ज़्यादा चीज़ें। अच्छा जी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एक मिनट, मैंने बनाया ADIR। प्रोजेक्ट के नाम से ठीक है, पर आ गया हूँ मैं। यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ, फाइल बना लेता हूँ, फाइल बना लेता। अच्छा एक मिनट, मैं भी एक एस्टीमेट की फाइल बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एस्टीमेट के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, वो हम एस्टीमेट के तो उसमें पढ़ लेंगे, जिसको आती है तो गुड सीन है। लेकिन जैसे एक मैं फाइल बना रहा हूँ अभी ताकि उसमें मैं अपलोड कर सकूँ सारी चीज़ें गिट के थ्रू ना, तो हमारी फाइल बन गई है, फाइल बन गई है। अच्छा अगर तो मैं कर सकूँ, अच्छा हेलो वर्ल्ड दबाया, ऐड करके देख लेते हैं अपने इंडेक्स डॉट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ठीक है। अच्छा मैं जरा काइंड इसको VS कोड पे भी खोल लेता हूँ ताकि जो है वो अच्छा जी ये मेरी फाइल आ गई है ठीक है। अच्छा अभी इन सब चीज़ों से कन्फ्यूज़ नहीं होगा कि ये क्या है, कौन सा एटमॉस्फेयर है, इसलिए मैंने जो है ना वो यहाँ से एडिट नहीं किया फाइल को, मैंने वहीं से किया टर्मिनल से, जो जो हम चीज़ें जो वो करते वा रहे ताकि कन्फ्यूजन ना हो ठीक है। अच्छा जी ये मैंने आ गया यहाँ पे, मैंने एक फाइल बना, एक फोल्डर बनाया और एक मैंने जो है वो फाइल बना दी। सबसे पहले मुझे यानी अगर उसको वर्जन कंट्रोल का सिस्टम पार्ट बनाना है, उसको सारी चीज़ें करनी है, तो सबसे पहले जो हमारी फाइल्स होंगी उस पर मैं जो है वो गिट को इनिशियलाइज करूँगा। तो गिट को इनिशियलाइज करने का तरीकेकार क्या होता है कि गिट इनिट, सबसे पहले आप अगर मैं जब तक गिट को इनिशियलाइज नहीं करूँगा तब तक मैं कुछ भी करता रहूँगा तो वो कुछ भी जो है वो गिट की जो है वो उसमें नॉलेज में नहीं आएगा, सारी चीज़ें नहीं देखेगा वो, तब तक आप उसमें जो है वो गिट इनिशियलाइज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैंने क्या करा, गिट इनिशियलाइज किया, ये देखिए बाद मैसेज आ गया कि भाई इनिशियलाइज हो गया गिट ठीक है। अब अगर मैं सबसे यहाँ पर आता हूँ और चेक करता हूँ कि गेट स्टेटस, तो देखिए मुझे क्या बता रही है कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, आप मास्टर की ब्रांच में खड़े हुए हैं ठीक है, कोई कमिट अभी तक हुआ नहीं है, और एक जो है वो अनट्रैक फाइल आ रही है जिसका नाम क्या है index.html, नथिंग एडिट टू कमिट बट अनट्रैक फाइल प्रेजेंट। आपके पास जो है वो अभी भी कोई भी जो है ना फाइल ऐसी नहीं है जो रेडी टू कमिट है, आपको अगर कोई कमिट करना तो आप पहले जो है वो उसको जो है वो ट्रैक करेंगे, क्योंकि अभी तक जो है वो उसके बाद जो है वो अनट्रैक आ रही है ठीक है। किसी यानी मुझे जब भी जो है वो ये वाली कमांड जो है वो मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉर चेकिंग कि मेरा अभी स्टेटस क्या है, मैं अभी जो काम करने लगा हूँ उसका क्या स्टेटस है, आया कि वो रेडी टू कमिट है या नहीं, वो ट्रैक हो गई फाइल या नहीं, वो ट्रैक करनी है नहीं, तो सारी चीज़ें जो है मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा अभी क्या लिखा हुआ आ रहा था, ये अनट्रैक लिखी हुई आ रही थी और ये रेड से डिनोट हो रहा था, तो मैं यहाँ पर आया मैंने लिखा गेट एड, मुझे यानी ट्रैक करने के लिए मैं क्या करूँगा index.html सही है। अब मैं दोबारा लिखूंगा गेट स्टेटस, अब मैं दोबारा चेक करूंगा भाई स्टेटस क्या है, तो देखें पहले जब मैंने गेट स्टेटस किया था यहाँ पे तो क्या उसका आउटपुट आया था कि ऑन ब्रांच मास्टर नो कमेंट्स येट, बट असल चीज़ देखें आप क्या आ रही थी यहाँ पे, वहाँ पे लिखा हुआ रहा था अनट्रैक फाइल और index.html था वहाँ पे रेड में ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंजेस टू बी कमिटेड और इसे देखें ग्रीन में, इसका मतलब क्या है कि अब जो है वो ये फाइल जो है वो रेडी टू कमिट है, अब आप इसको जो है वो कमिट कर सकते हैं, यानी अब वो जो है वो गिट की जो है वो आप यानी जो है वो स्टेज हो गई है, यानी स्टेज वाली जो है ना उसमें कंडीशन में आ गई है
या पीजी बोले कोई कुछ कहना चाह रहा है सर? ये कमिटमेंट क्या होती है, गिट कमिट व्हाट इज इट? ठीक है मैं बताता हूँ। अच्छा जी जी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। अच्छा जी मैं दोबारा आया टर्मिनल पे, कहाँ गया टर्मिनल? ये रहा। अच्छा गिट कमिट क्या होता है, भाई ने अच्छा सवाल किया। हमारे पास क्या है कि भाई मैंने एक काम किया आज के तारीख में और मैंने एक पैराग्राफ लिखा। अब कमिट से मुराद क्या है कि भाई ये मुझे जो है वो वर्जन कंट्रोलिंग का पार्ट बनाना है ना, मुझे गिट का पार्ट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि कुछ कमिट करके, यानी भाई ये वाला काम जो है मेरा जो है वो लोकल रिपोजिटरी पे जो है वो सेव कर दो। तो सेव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसकी निशानी देनी होगी कि भाई ये मेरा काम है और ये मैंने इसमें ये वाला काम किया है। जब मैं बोलूँगा कि मैंने ये काम किया और मैंने ये वाला, यानी इससे मैं डिनोट करूँगा भाई ये मैंने काम किया था इसमें, ताकि जब एक आध दिन बाद या जब भी मैं कुछ दिनों बाद देखूं कि यार मैंने कब कौन सा काम किया था, तो वो मेरा कमेंट बता रहा होगा कि यार आपने जो है वो ये वाला काम किया हुआ। इसमें कमेंट ऑब्वियसली बात है कि आपका जो है वो यानी मेक सेंस वाला होना चाहिए, यानी जो आपने काम किया उसमें वो वाला कमेंट उसमें होना चाहिए। अभी तक मैंने कमेंट किया नहीं दोस्त, अभी करूँगा। ठीक है अच्छा जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? पहले मुझे ये बताएं, अभी हमने सिर्फ गिट इनिशियलाइज किया है और गिट स्टेटस की कमांड को देखा है और गिट ऐड को देखा है, सिर्फ दो स्टूडेंट्स का आया यस यस, बाकी का कंफ्यूजन है कुछ? ठीक है गुड सीन। अच्छा जी मैं यहाँ पे दोबारा टर्मिनल पे, अभी तक मैंने सिर्फ दो कमांड यानी चलाई, ये चलाई गिट इनिट, ये सिर्फ पहली दफा चलेगी, बार बार नहीं चलेगी इनिशियलाइज करने के लिए। गिट स्टेटस हमने चेक किया कि भाई हमारे फाइल का क्या स्टेटस है, हमारे प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस, सारे मुझे स्टेटस पर चल गया। हमने लाइन बाय लाइन डिस्कस भी कर लिया कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो क्या उसका जो है वो मीनिंग है। इसके बाद हमने जो है वो इंडेक्स एस्टीमेट को मैं ऐड किया है ताकि वो जो है वो ट्रैक हो जाए। अब जो है वो हम इसको करते हैं एक मिनट कमिट, तो मैं पहले मैं क्लियर करता हूँ ताकि जरा ऊपर शो हो जाए। मैं यहाँ पे मैंने लिखा गेट कमिट माइनस एम, माइनस एम से मुराद क्या होता है, एम फॉर मैसेज, कि आपने मैसेज लिखना है कोई। तो यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन पे जो मैसेज लिख लूंगा, मैंने लिख दिया एडेड इंडेक्स इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, मैंने जो है वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को जो है वो ऐड किया है। या यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है एडेड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, बट मैं वही कहूँगा कि ये मैसेज जो है ना वो मीनिंगफुल होना चाहिए कि आपने इस कमिट में काम क्या करना है, यानी आप जो कमिट करने जा रहे हैं उसमें आपने काम किया क्या है, ताकि ये आपके लिए ही हेल्पफुल होगा तब आप जब आप आगे जाके, जब चूंकि मल्टीपल कमिट्स हो जाएंगे आपके, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि आपने कौन से कमिट में क्या काम किया। आप एक एक को देख तो नहीं सकते ना खोल खोल के, तो वो आपका ये मैसेज ही बता रहा होगा कि आपने इस फाइल में जो है वो यानी इस कमिट में आपने क्या काम किया था। जी मैंने कमिट किया, मैंने एंटर किया, तो देखें मेरे पास जो है वो मास्टर में जो है वो कमिट हो गया है, वन फाइल चेंज लिखा हुआ आ रहा है सारी चीज़ें। मैं दोबारा गिट स्टेटस करता हूँ तो देखें ऑन ब्रांच मास्टर और कमिंग जो है अभी वर्किंग ट्री जो है हमारा क्लीन हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो जो हमारी अनट्रैक फाइल थी उसको हमने ट्रैक करवा दिया गिट ऐड के थ्रू, और फिर हमने गिट कमिट के थ्रू जो है उस फाइल को जो है वो कमिट भी कर दिया। तो अब हमारा वर्किंग ट्री जो है वो क्लीन है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है और हम मास्टर जो है ब्रांच में खड़े हैं। ये देखा आपने कि गिट स्टेटस की मैंने ब्रांच दो तीन मरतबा चलाई है और दो तीन मरतबा उसने डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट दिए हैं। तो ये मैं आपको डिफरेंस यही समझाना चाह रहा हूँ कि गिट स्टेटस यानी स्टेटस जो है वो किन किन कमांड से जो बेसिकली जो है वो चेंज हो रहा है। अच्छा जी ये मैंने कमेंट चेंज कर दिया, अब हम आते हैं दोबारा उस फाइल में जो है वो चेंज करते हैं कुछ ना कुछ। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड बी टू, सही लेट सपोज, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। मैं यहाँ पर आया दोबारा टर्मिनल पे, अब देखिए मैं यहाँ पर से लिखूंगा गेट स्टेटस, तो देखिए क्या आ रहा है, मास्टर की ब्रांच में खड़े हुए और आपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल को जो है मॉडिफाइड कर दिया। ये रेड कलर जो है ना ये डिनोट कर रहा होता है कि ये फाइल जो है अभी तक जो है वो अनट्रैक्ड है। जब तक फाइल अनट्रैक्ड है आप उसको कमिट नहीं कर सकते हैं। कमिट करने के लिए पहले आपको फाइल को जो है वो ट्रैकेबल बनाना होगा, यानी उसको ऐड करना होगा, स्टेज में लेकर आना होगा, जिसकी जो हमने कमांड देखी गेट ऐड की। ठीक है तो यहाँ पर आया मैं गेट ऐड लिखा। अच्छा मैं स्पेस अगर सिर्फ डॉट लिख दूंगा
इससे मुराद ये होती है कि इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी सबको ऐड कर दो, लेकिन अगर आपको किसी को ये पर्टिकुलर फाइल को सिर्फ ऐड करवाना है तो आप उसका नाम दे दोगे खाली। अभी मैं स्पेस डॉट लिखूँ तब भी बात एक ही है, फाइल का नाम लिख दूँ तब भी बात एक ही, चूँकि मेरे पास जो है वो एक ही फाइल है। आपको पहले मैंने डैश डॉट एचटीएमएल लिखा था गेट, तो मैं डॉट करके कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो दोनों चीज़ें समझ में आ जाए। दोबारा स्टेटस चेक करते हैं, नोटिफाइड हो गया, ग्रीन हो गया, और हम जो है वो अब कमेंट कर देते हैं। कमेंट में क्या अपडेटेड index.html फाइल, फाइल हो गई कमेंट, गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं। मेरे पास जो है वो वर्किंग ट्री जो है वो क्लीन हो गया सर। nice. प्लीज एक दफा और रिपीट कर दें। मैं रिपीट करता हूँ, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? यानी जो अभी तक हमने सारी चीजें करी हैं, माइनस एम का क्या मीन है? माइनस एम से मुराद जो होता है कि मैसेज, एम फॉर मैसेज है। माइनस एम की सवाल आते हैं दो तीन, तो मैंने वो रिपीट कर दिया है। ठीक है, ऐड, अच्छा ऐड से मुराद क्या होती है? बोले सर, सर ये गिट कमिट का एरर आ रहा है, कोई ऑथर आइडेंटिटी अननोन, प्लीज टेल मी हु आर यू। गिट इंस्टॉल नहीं हुआ आपके पास? इंस्टॉल्ड है सर। वर्जन लिखा हुआ आ रहा है गिट का? यस सर। ये बाकी सारे कमांड्स चल रही है, गिट स्टेटस भी और गिट कमिट भी चल रही है। फिर ऑथर आइडेंटिटी अननोन का गिट कमिट माइनस देखें स्पेलिंग और डबल मिस्टेक COWMIT minus m उसके आगे एरर आ रहा है, author identity unknown, please tell me who are you, run git config global user dot email इस तरह से। अच्छा एक मिनट, आप जो हैं वो एक कमांड होती है, एक मिनट, config user dot आप ये करें देखें, ये वाली कमांड चलाएं आप। वो रिजल्ट आ रहा है आपके पास? नहीं सर, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा इसका। हाँ तो इसका मतलब है कि आपका जो वो नेम और यूजर नेम और यूजर ईमेल जो है ना वो सेट नहीं हुई। तो आप क्या करें कि आप यही कमांड लिखें जो मैंने अभी हाईलाइट करी हुई है, दोनों कमांड लिखिएगा, ठीक है, और इक्वल टू के जरिए जो है ना वो आप डबल कोटेशन करके जो है ना आप नाम दे दें तो वो सेट हो जाएगा फिर। ठीक है, मैं अभी सेट करता हूं क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेट है सर। आप अच्छा जी, कमांड नजर आ नहीं रही है स्क्रीन पे, ये जो मैंने आई थिंक ज़ूम ज्यादा हुआ है। अच्छा ये गेट कॉन्फिग यूजर डॉट ईमेल की बात कर रहे हैं आप? जी जी, इससे जो है वो आप चेक, ये आपको रिटर्न कर देगा। अगर आपको सेट करना है तो आगे इक्वल टू और डबल कोटेशन के अंदर जो आप ईमेल या नाम देते हैं तो वो हो जाएगा। ठीक हो गया जी। और कोई कुछ कह रहा था सर? एक तो बेसिक गाइडलाइन दे देगा गिट की और इंस्टॉलेशन गाइडलाइन दे देगा, ताकि बहुत बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो बिगनिंग में इंस्टॉलेशन में इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा इंस्टॉलेशन तो गाइस यार इसकी बहुत इजी है, गूगल पर आप सर्च करेंगे आपको गिट इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें कोई ये नहीं है, मसला नहीं होगा। बेसिक कमांड से फिर हम गूगल के लिए गिट आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी गिट होता क्या है, ये वर्जन, इसको मैं स्टार्टिंग में डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि गिट जो है बेसिकली एक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है, जो कि सॉरी वर्जन कंट्रोल सिस्टम का एक टूल है बेसिकली, जो कि हमें मैनेज करता है फाइल ट्रैक करने के लिए कि आप किसी भी फाइल में जो है वो कब चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, और जो बेसिकली जो है वो किसने चेंज किया है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा था। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने फाइल की, मैं रिपीट करता हूँ, अब तक हमने जो है वो फाइल क्रिएट की थी, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की, और उसको जो है वो हमने उसका ऐड किया उसको सबसे पहले, और फिर जो है हमने उसको कमिट कर दिया। फिर हमने उसी फाइल में जो है वो चेंजेस की, वी टू किया, और उसको फिर जो है वो हमने दोबारा जो है वो कमेंट कर दिया। अब तक मैं कितने कमेंट कर चुका हूँ? दो कमेंट कर चुका हूँ। मुझे अपने कमेंट्स देखने हो तो मैं आया, मैंने लिखा गेट स्पेस लॉग, तो देखें मेरे पास कितने थे, सारी हिस्ट्री आ रही है। सबसे पहले जो मैंने कमेंट किया था वो याला कमेंट किया था, एडिट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो ये जो मैं बात कर रहा था ना कि मैसेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, तो मैसेज से ही आपको पता चल रहा होता है कि आपने जो है वो इस फाइल में क्या काम किया है, सही है। तो देखें मेरे पास मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, कब किया है, मेरे पास डेट लिखी हुई आ रही है, किसने किया है वो आ रहा है, और उसकी ईमेल एड्रेस भी लिखी हुई आ रही है, ठीक है। दूसरा कमेंट हुआ हुआ है, वो क्या हुआ हुआ, अपडेटेड index.html, वो कब किस टाइम पे हुआ, वो किसने किया, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई आ रही हैं। और अभी मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, अपनी मेन ब्रांच में खड़ा हुआ, मास्टर की ब्रांच में यानी हेड पे खड़ा हुआ। अच्छा, ये एक और चीज़ होती है, सर एक चीज़ क्लियर करेगा, add dot, ये कि किस लिए हमने यूज़ किया था। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें मैंने कोई भी फाइल बनाई या मैंने कोई भी फाइल में चेंजेस की ना, अब वो मैं कमेंट नहीं कर सकता डायरेक्ट, ठीक है, जब तक मैं उस फाइल को जो है चूँकि वो अभी तक अनट्रैकेबल है, ठीक है, उसको मुझे ट्रैकेबल बनाना है, यानी स्टेज इसको स्टेज करना है कि भैया वो भाई अब ये फाइल जो है वो रेडी टू कमेंट है, ठीक है। तो उस फॉर्म में लेकर आने के लिए उसको जो करना होता है, मुझे फाइल्स को ऐड करना होता है। तो दो तरीकेकार होते हैं, कमांड एक ही है मेरे पास, ये गेट ऐड। अगर मुझे सारी फाइल्स को ऐड करवाना है तो मैं क्या करूँगा, गेट ऐड स्पेस डॉट, तो वो सारी फाइल्स को कर देगा। मुझे अगर किसी पर्टिकुलर फाइल को ऐड करवाना है तो मैं यहाँ पे जो उसका नाम भेज दूंगा, ठीक है, मेक सेंस। ओके सर, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, मैं कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे नजर आ रही है, कमेंट यहाँ पे, ये तबड़ा कोई अजीब सी चीज लिखी हुई है। ये क्या होता है बेसिकली, कमेंट हैश होता है इसकी, ये क्या होता है बेसिकली, आप अगर जितने भी कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, तो उनको एक पर्टिकुलर कोई ना कोई एक आईडी कह लें, उसको यूनिक आईडी उसको जो है ना वो आप वो एलोकेट कर रहा होता है। इससे क्या होता है, इस मदद से आप जो है वो बेसिकली कमेंट में जो है पीछे कमेंट पे जा सकते हैं, आगे कमेंट पे जा सकते हैं, ये स्विचिंग के लिए जो है वो एक आइडेंटिटी के तौर पर जो वो हर कमेंट को जो है वो एक यूनिक जो है वो एक आईडी फराम कर देता है, जिसको हम कहते हैं कमेंट हैश कह रहे होते हैं इसको, ठीक है। अच्छा सर, ये जो कमिट हैश है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में किसी तरह हम डिस्प्ले करवा सकते हैं? नहीं नहीं, इसको नहीं करा सकते, ये ऐसे ही रहेगा कमेंट हैश। बेसिकली टोकन है, इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चेंज करने की जरूरत होती भी नहीं है। इसको आप ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चेंज करके आपको क्या यानी क्या आप उसमें अचीव करना चाह रहे हैं? सर अगर आपने कहा कि अब लेट से हमें कोई फाइंड करना है कि हमने कोई पिछला क्या कमिट किया है, तो इस तरह मुश्किल होगा ना, इतना लंबा कोड है। देखें आपको ये कहते हैं, ये जो कोड है इसके अगेंस्ट ऐसा नहीं है कि आपको कोड मिल जाएगा कि भाई मेरे कोड में क्या चेंज किया था, ठीक है, ये बेसिकली उसकी आईडी है, ये समझ लें आप इसको, ठीक है, ये आपको एक आईडी एलोकेट कर रहा है कि भाई ये कमेंट की जो है आपने जो कमेंट किया था उसकी आईडी जो है वो ये है। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, लेट सपोज के मुझे जो है वो इस जो है वो इस कमेंट में जाना है। अभी मैं कौन से कमेंट पर खड़ा हुआ हूँ, लेटेस्ट मेरा कमेंट कौन सा है, ये वाला है, ऐसे ही मुझे जो है वो इस वाले कमेंट में जाना है, अपने पुराने वाले कमेंट में, तो मैं कैसे जाऊँगा? किसी को कोई आइडिया है चीज का? अच्छा, मैं चैट खोल लूँ ताकि मुझे पता भी चल जाए। नो, ठीक है, किसी को आइडिया नहीं है। अच्छा, ये दानिश कुछ कहना चाह रहे हैं जी, दानिश कुछ कह रहे थे आप, आपने हैंड रेस किया हुआ था। अच्छा जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक इशू आया, मैं नेम को जो है ना वो कर रहा था कॉन्फिग, तो एक बार वो इजिकल टू आ रहा, तो जब मैं नाम चेक कर रहा हूँ गेट कॉन्फिग यूजर नेम, तो जस्ट इजिकल टू आ रहा है, अब उसको एडिट ही नहीं कर पा रहा, मतलब कुछ भी कर रहा तो एरर से शो कर रहा है। दोबारा कर लें वही कमांड के जरिए, गेट कॉन्फिग की जो सेट किया था जिसके थ्रू। जी, वही कर रहा हूँ, बस वो अजीब से एरर आ रहा है, यूजर नेम हैज मल्टीपल वैल्यूज, कैन नॉट ओवरराइट मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वर्जन वैल्यू, इस तरह से एरर आ रहा है। एक मिनट, चले मैं इसको भी देखता हूँ, मैं थोड़ी देर बताता हूँ आपको इसको ना। ओके जी, ये ताइला नाम है, हाँ सर, ये कॉन्फ़िगर की कमांड, वो गेट कॉन्फ़िगर यूजर डॉट ईमेल लिख रही, तो वो कहता है कि गेट कॉन्फ़िगर इज नॉट अ गेट कमांड। कॉन्फ़िगर नहीं था मैम, कॉन्फ़िग था खाली। अच्छा, कॉन्फ़िगर, ओके, थैंक यू जी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छे जी, आगे चलते हैं।
मैं यहाँ पे जाता। अच्छा मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा गेट चेकआउट और अपना जो है वो ये वाला कमेंट हैश कॉपी किया हमने और यहाँ पे मैंने जो है वो पेस्ट किया। और अब मैं गेट लॉग देखूंगा तो देखें मैंने यहाँ पे क्या किया। काइंडली माइक म्यूट कर दें यार प्लीज। या मैंने क्या करना था, मैंने सिनेरियो जाता हूँ मेरे पास कि भाई मैंने एक कमेंट किया ऐड किया फाइल, अब मैंने दोबारा एक और कमेंट कर दिया था भाई अपडेटेड फाइल का, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं अपने जो है ना वो प्रीवियस वाले जो मैंने कमेंट था मैं उस स्टेज पे जाना चाह रहा था, उसमें जाना चाह रहा था कि भाई मैं देखना चाह रहा था कि उसमें मैंने क्या चेंजेस की थी या मैंने उसमें क्या कोड था या और एक्स वाई जेड आपकी जो है वो नीड हो सकती है, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मैं अपने प्रीवियस कमेंट पे जो है वो किस तरीके से जा सकता हूँ या सारी चीज़ें हैं। तो मैंने क्या किया, गेट चेकआउट की कमांड लिखी और वो वाला हैश लिखा जो उस कमेंट का हैश था यानी मुझे जिसमें जाना था। ठीक है तो ये देखें मैंने यहाँ पे वो लिखा सारी चीज़ें एंटर किया तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, चेकिंग आउट हो गया आपका। और उसके बाद जो है मैंने गेट लॉग किया तो अब देखें मैं कौन से कमेंट पे आ गया हूँ, अपने जो पहला वाला कमेंट था जिसमें मुझे जाना चाहता था मैं उस पर आ गया हूँ। ठीक है अगर मैं कोड में जाके देखूँ तो देखें मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, वी टू नहीं लिखा हुआ आ रहा, इट मीन्स कि मैं सक्सेसफुली जो है वो अपने प्रीवियस वाले कमेंट में जो है वो चेकआउट कर चुका हूँ। ठीक है ये चीज़ समझ में आई है सबके, मैं किस तरीके से प्रीवियस जो है वो उसमें गया हूँ। गेट चेकआउट जी जी गेट चेकआउट के कमांड से किया हूँ, दोबारा बता दो, मैं दोबारा बताता हूँ एक मिनट दे मुझे। देखें मैंने क्या किया था, मेरे पास मैंने गेट लॉग किया था सबसे पहले तो मेरे पास मल्टीपल कमेंट्स आ रहे थे लिखे हुए। ठीक है जो सबसे पहले किया था वो सबसे नीचे आ रहा था, जो सबसे लेटेस्ट था वो ऊपर आ रहा था। अभी मैं इस कमेंट पे था खड़ा हुआ, सही है क्योंकि मेरा लेटेस्ट यही कमेंट था, मेरी नीड क्या थी कि मुझे अपने प्रीवियस वाले कमेंट पे जाना था। ठीक है तो प्रीवियस वाले कमेंट पे अगर आपको चेकआउट करना हो तो आप किस तरीके से जाएंगे कि आप उसका कमेंट हैश निकालेंगे, मैंने कमेंट हैश निकाल लिया गेट लॉग के जरिए। ठीक है आप कमांड क्या लिखेंगे, गेट चेकआउट और कमेंट हैश लिख देंगे, जब कमेंट हैश लिखेंगे तो आपको वो उस पर्टिकुलर कमेंट पे ले जाएगा जो जिसका टोकन या जिसका हैश ये है। तो देखें वो लेकर आ गया, उसके बाद मैंने गेट लॉग किया मेक श्योर के लिए कि भाई मैं आया हूँ या नहीं आया, तो देखें वो यही वाला कमेंट लेकर आ रहा है, वाला कमेंट नहीं लेकर आ रहा, इसका मतलब क्या है कि मैं कमेंट पर हूँ आ गया हूँ। एक और चेक करने के लिए कि भाई हाँ भाई आया भी हूँ नहीं आया, तो मैं कोड पे गया तो पहले कोड पे जाता मेरा सिर्फ हेलो वर्ड था, वी टू मेरा सेकेंड वाले कमेंट में था। ठीक है तो देखें वी टू नहीं लिखा हुआ आ रहा, इट मीन्स कि मेरा जो कोड है वो भी जो है यानी सक्सेसफुली जो है वो चेकआउट हो चुका है। सर हम दोबारा रिमूव कर दिए क्या करा, दोबारा बोले वो चेंजेस इसने रिमूव, जैसे हमने जो कमिट किया था वो हम दोबारा प्रीवियस कमिट पे आ गए तो जो हमने चेंजेस की थी वो उसने क्या डिलीट कर दिया क्या, इसका हुआ क्या? नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, मैं भी सुबह दोबारा जाऊंगा, फिक्र नहीं करें, मैंने सिर्फ चेकआउट किया, मैं भी सेकंड वाले से फर्स्ट वाले पे आया हूं, मैं सिर्फ चेकआउट किया। अच्छा सर इसके अंदर चेंजेस सर ये वन बाय वन पहले कामरान को बोल देना। जी सर मैं पूछना, अभी जैसे आप वापस आ गए पहले कमिट के ऊपर आ गए थे आप, तो क्या इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर? जी जी कर सकते हैं चेंजेस, कोई इशू नहीं है, फिर वो लेकिन तीसरा कमिट होगा फिर वो, मतलब जैसे सेव करेंगे तो फिर वो कमिट नया कमिट जनरेट कर देगा सर। हां एग्जैक्टली, तो ये बेसिकली ये कमांड या हम आगे से लेटेस्ट से प्रीवियस पे जाने का जो मकसद हो रहा होता है ना वो जस्ट ये यानी जो नॉर्मली इसको कमांड को यानी या नॉर्मली ये किस सिनेरियो पे काम आ रहा होता है वो इसलिए कि भाई मैं लेट सपोज मैंने काम किया, मैंने कमेंट किया आगे चला गया, मैंने काम किया कमेंट किया आगे चला गया, अब सपोज समहाउ जो है ना वो मुझे देखना होता है कि यार मैंने पहले वाले कमेंट पे क्या काम किया था मुझे पता ही नहीं था, याद नहीं आ रहा, तो मैं चलो मैं जाके देख लेता हूँ। तो जस्ट बेसिकली ये व्यू के तौर पर जो है ना वो आप इसको यूज कर रहे होते हैं रीड ओनली पे सारी चीज़ों को। ठीक है सर क्या वो वर्जन ले लेगा वो उस चेकआउट का वर्जन जो है आपके? अभी तो कुछ नहीं लिया उसने, अभी टेंशन नहीं लिया उस चीज़ की, अभी मैंने सिर्फ चेकआउट किया और प्रीवियस वाले कमेंट पे किया हूँ। ठीक है सर ये लॉग हमेशा रहेंगे यानी कि जब भी कोई सिस्टम
तुम ऑन करे या कोई भी और कोई प्रोजेक्ट को देखे तो वो लॉग्स रहते हैं। जी जी लॉग्स रहते हैं, उसकी टेंशन है। अच्छा जी, यहाँ तक सबके समझ में आ गया है, आगे चलते हैं। मैंने गेट लॉक किया था तो मेरे पास अभी वो क्योंकि हम चेकआउट कर लिया था तो मैं उस पर आ गया था। अब मुझे वापस जाना है, मैंने क्या किया, गेट चेकआउट स्पेस डैश, ठीक है, मैं आया, मैंने लिखा गेट लॉक, तो देखिए मैं दोबारा आ गया उस पर, दोबारा मेरा अपडेटेड वाले कमेंट पे जो मैंने स्विच कर लिया। ऐसा नहीं हुआ था कि जब मैं इससे इस पर आया तो ये वाला डिलीट हो गया या कुछ और हो गया या गायब हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं जस्ट इससे उठ के जो है वो इस पर आ गया था, ठीक है। अभी मैंने क्या किया कि मैं गेट चेकआउट स्पेस जो है वो डैश लिखा तो मैं डायरेक्ट जो है वो उसके जो है वो लेटेस्ट वाले पे जो है वो स्टेप आगे जो है वो मैं आ गया हूँ। यहाँ से भी मैंने मेक श्योर कर लिया, मैं कोर्ट से जाके भी मेक श्योर कर लेता हूँ भाई मैं आया हूँ या नहीं आया हूँ, तो देख लें हेलो वर्ल्ड V2 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं अपडेटेड यानी जो मेरा लेटेस्ट कमेंट था मैं उस पर आ गया हूँ। तो ये आगे जाना, पीछे जाना, प्रीवियस आना, ये कमेंट्स पे चेकआउट करना, ये चीज सबके समझ में आई है? जी सर, आई है। एक और चीज ये बता दें कि अगर मैं VI करके जिसे एडिट कर रहा हूँ तो वो क्या नया कमेंट एड कर देगा? ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन अभी तक समझ नहीं आया, नया कमेंट एड कैसे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं अभी VI करके कुछ चेंजेस करूंगा उसके अंदर तो ये नया कमेंट एड करेगा या सिर्फ फाइल एडिट करेगा? मुझे नया कमेंट एड करना अभी तक समझ नहीं आया। मैंने VI के थ्रू जो है ना फाइल मैं सिर्फ मैंने एडिट किया और कुछ नहीं किया। तो वो नया कमेंट नया कमेंट बना देगा उसके लिए? देखिए अभी मैंने फाइल जो है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप नया कमेंट से क्या समझ रहे हैं मुझे ये बताएं पहले। मुझे ये बताएं मतलब सर कि दो जैसे हमने एक फाइल बनाई पहले, ठीक है, हमने उसको गेट के साथ कॉन्फिग वो कर दिया। अब नया जो दूसरा कमिट बना था आपका वो कैसे बना? वहां तक मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि एक नया जो कमिट बना था वो कैसे बना था। मैंने एक फाइल सही में समझ गया, मैंने एक फाइल बनाई जिसके अंदर मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, हेलो वर्ल्ड लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। मैंने उस फाइल को मैंने कमेंट कर दिया, मैंने कहा भाई कमेंट कर दूं ताकि ये मेरे फाइल जो है वो मेरी लोकल रिपोजिटरी पे जो है वो सेव हो जाए, ताकि मैं इसका वर्जन कंट्रोल ही कर सकूं, ताकि मैं इस पर आगे कुछ चेंजेस करूं तो मैं प्रीवियस भी देख सकूं, ये भी देख सकूं कब हुआ है, क्या चीज़ चेंज हुआ। तो इसलिए मैंने उसको क्या करा, मैंने उसको गेट का पार्ट बना के मैंने उसको कर दिया गेट कमेंट, कि भाई मेरा ये काम जो है ना मेरा काम हो गया आज की तारीख में, या जो मेरा काम इसमें काम करना था मैंने वो मैंने काम कर दिया, मैंने कमेंट कर दिया कि भाई तुम जाओ मैंने सेव कर दिया तुम्हें लोकल रिपोजिटरी पे, ठीक है। अब मैंने कल आपको उसमें दोबारा चेंजेस की उसी फाइल में, चूँकि फाइल तो मेरे पास पड़ी हुई है ना। अब जो मैंने फाइल में चेंजेस किए हैं, अब वो चेंजेस तो मेरी लोकल रिपोजिटरी में सेव नहीं हुई है ना जब तक मैं उसको कमेंट नहीं करूँगा, तो मैंने उसको क्या किया, मैंने चेंजेस किए फिर मैंने उसको जो है वो कमेंट कर दिया। तो इस तरीके से जो है आप चेंजेस करते रहेंगे, फीचर्स पे काम करते रहें, बग्स पे काम करते हैं, और उसको जो है वो कमेंट करते रहें, यानी उसको सेव करते रहें, इन द सेंस गेट की लोकल रिपोजिटरी का जो है पार्ट बनाते रहें। सब ठीक है, एक बार समझ आ गया। एक बार अगर सर आप इसको रिपीट प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे ना तो हम सबके लिए अच्छा हो जाएगा। सर इसका क्या मतलब है कि जैसे नया कमेंट आप नया कमेंट कोई बना के दिखा दे, जैसे नया कमेंट फाइल किया ना जैसे आप दोबारा नया कमेंट बनाते हैं वो मैं दोबारा कर दूं, नो वरीज। ये सारे कमेंट जो ना मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब हम इसको जो ना रिमोट रिपोजिटरी में जो है वो चेंजेस कर रहे ना यानी अपलोड करेंगे तो वहां पे भी आप इजीली देख लेंगे। अच्छा जी अभी मैं कहा हूँ गिट लॉग मैंने किया तो अभी मेरे दो कमेंट हुए हुए हैं, ऐड हुआ हुआ है, अपडेट हुआ हुआ। अच्छा अभी मैं स्टेटस देख लेता हूँ, देखें सबसे पहले आप स्टेटस देखेंगे, स्टेटस की मैं कमांड बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ इसी वजह से कि आप देखते ही बिना। अभी मेरे पास क्या है, वर्किंग ट्री जो है वो क्लीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा हुआ है कि भाई आपके पास कोई भी ऐसा काम नहीं है जो भी आप जो है ना वो अनट्रैकेबल है या आपने कुछ चेंजेस किए हैं, अभी आपका वर्किंग जो ट्री है वो क्लीन है। इट मीन्स कि जो आपका लेटेस्ट कमेंट है ना ये वाला, वो वाली फाइल में जो डेटा लिखा हुआ था और अभी जो आपकी फाइल में डेटा लिखा हुआ है वो सेम है, उसमें भी कोई चेंजेस जो है वो नहीं हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है अभी मैं यहाँ पर आया, मैंने जो है वो यहाँ से V3 कर दिया, ठीक है। अच्छा ये मैं यहाँ से कर रहा हूँ कोर्ट से, VI से भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, मैंने सेव कर दिया था, हाँ सेव कर दिया था, मैं आया दोबारा मैंने लिखा गेट स्टेटस, देखिए मुझे बता रहा है कि भाई आपकी जो है वो एक फाइल में मॉडिफिकेशन हो गई है। ये कैसे डिटेक्ट कर रहा है कि भाई आपकी फाइल में चेंजेस हुई है, मॉडिफाई हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया था, गेट इनिशियलाइज किया था, गेट इनिट गिट का पार्ट बना दिया था इस फोल्डर को, तो अब इसमें जितनी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं वो सारी चीज़ें मुझे वो ट्रैक कर रहा होता है, जो हमें जो असल चीज़ है ना, जो हमें ये है कि भाई कोई हो जो कि कोई ऐसा टूल हो जो कि हमारी चीज़ों को जो बेसिकली ट्रैक कर रहा हो कि भाई कब चेंजेस हो रही हैं, क्या चेंजेस हो रही हैं, कौन कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखें बहुत परफेक्ट कर रहा है। मैंने गिट स्टेटस किया तो देखें मुझे बता रहा है मॉडिफाई हुई है भाई गिट डेस्क डॉट एचटीएमएल की फाइल। अच्छा भाई
अब मुझे क्या करना है, सो कमिट करना है तो मैं डायरेक्ट कमिट नहीं कर सकता हूँ जब तक कि ये जो है वो मैं इसको स्टेज ना कर दूँ, यानी इसको मैं जो है वो ट्रैकेबल ना बना दूँ। अभी जो कहते हैं रेड भी हुआ है, तो ट्रैकेबल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, गेट क्लियर कर दूँ ताकि ऊपर शो हो जाए ये। मैं क्या करूँगा, गेट एड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी लिख सकता हूँ और डॉट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल है। मैं यहाँ पर आया, गेट स्टेटस चेक किया, तो देखें वो ग्रीन हो गई है, ठीक है सारी चीज़ें। अब जो है वो रेडी टू कमिट है ये। यहाँ पर आया गेट कमिट माइनस एम, माइनस एम से मुराद किया है मैसेज। यहाँ पे मैं ले देता हूँ कि अपडेटेड वर्जन बी टू desktop.htm, ठीक है। ये मैसेज आपको कुछ भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बस ये कि ये डिटेबल होना चाहिए आपका उससे। हो गया है भाई, मैं गेट लॉग आया तो देखिए मेरे पास तीन कमेंट आ गए। पहला कमेंट एडिट वाला, अपडेटेड वाला, और ये वाला चीज वाला, कौन कर रहा है, क्या ईमेल है उसका, कब कर रहा है, सब आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है भाई। यहाँ तो सबको सबको क्लियर है कि भाई मैंने क्या, एक सवाल है सर, मैंने अभी जब आपका सेकंड टाइम जब चेकआउट किया था, मैंने चेकआउट किया उसको माइनस करके ना, जो हमने जो हैश डाल के, तो हैश तो हो गया, उसके बाद जब माइनस करके किया तो मेरे पास एक एरर आ गया, नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन एट डिटेक्टेड एट। आपके एक मिनट, आपके दो कमेंट थे, एक ही कमेंट था आपके पास, दो कमेंट थे आपकी तरफ, तो आप पहले कमेंट चेक किया फाइल को, एक कमेंट हटाया फाइल को चेक किया, दोबारा वापस उसको कमेंट को माइनस कर दिया, तो वापस वो बैक हो गया लॉग में, वो सही दिखा रहा है दोनों कमेंट अब, लेकिन ये कह रहा है दैट नथिंग टू कमिट है इसमें। तो आप स्टेटस चेक कर रहे होंगे ना, आई गेस? हाँ जी जी हाँ, तो स्टेटस तो सही है ना, कोई भी चीज चेंजेस तो नहीं हुई ना अभी, तो ये रेड मार्क में क्यों आ रहा है, पहले तो नहीं आ रहा था, या मुझे देखना पड़ेगा क्या इशू आ रहा आपके पास। आप अगर एग्जैक्टली अगर मेरी कमांड्स को फॉलो कर रहे होंगे तो देखें मैं आपके सामने कर रहा हूं, ऐसा कुछ इशू नहीं आ रहा। हां बिल्कुल बिल्कुल सही, कोई मिस्टेक होगी, अभी देख रहे हैं, कोई इशू नहीं, अभी देख रहे। मैं रिपीट कर दूं कि अभी अभी तक हमने पूरा ओवरऑल किया जाए, ताकि अगर किसी के कोई चीज रह गई है तो भी हो जाए। हमने क्या किया, हमने एक फोल्डर बनाया, उसमें कोई फाइल बनाई, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, पहली बात ये भी कि भाई गेट जो है ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोडिंग की फाइलों को जो है वो ट्रैकेबल बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर होते हैं, आप इसको कोई और से भी चीज़ों, यानी आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई आपकी ग्राफिक्स की फाइल है, इन सब चीज़ों को भी आप जो है वो ट्रैकेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो नॉट ओनली कि सिर्फ कोडिंग के लिए होती है ऐसी चीज़ें। अच्छा तो हमने क्या किया, हमने एक फाइल बनाई, उसको हमने जो है वो सबसे पहले उसको फोल्डर में गेट इनिशलाइज किया गेट इनिट के थ्रू, उसके बाद जो है फिर हमने जो है वो फाइल को हमने चेंजेस के लिए उसका हमने स्टेटस चेक किया, तो वो रेड में आ रहा था अनट्रैकेबल, उसको हमने ट्रैकेबल बनाने के लिए हमने देखा कि भाई उसका जो है वो गेट ऐड के थ्रू आप जो है वो कर सकते हैं, गेट ऐड कर लिया, उसके बाद जब वो रेडी टू कमिट हो जाती है तो आपने जो है वो गेट कमिट की कमांड से जो है वो आप कमिट कर सकते हैं, गिट लॉग की कमांड से जाओ अपने सारे जो है वो कमेंट्स की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, और गिट चेकआउट के थ्रू जो है वो आप जो है वो कमेंट्स में जो है वो स्विचेस कर सकते हैं यूजिंग द कमेंट हैश। यहाँ तक हमने जो है वो सारी चीजें करी हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है? आपकी जो मेन रिपोजिटरी जो है वो कौन सी है, मास्टर की है। आप अभी कहाँ खड़े हुए हैं, मास्टर में, और आपकी जो मेन रिपोजिटरी जो है वो मास्टर की है, ये सारी चीजें बता रही है। अभी मैं जो कि ब्रांचेस और बनाऊंगा ना तो आपको और समझ में आ जाएगा ये। अभी जो कि हमारी एक ही ब्रांच चल रही है मास्टर की, अभी मैं ब्रांचेस में भी जो है वो स्विचेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सबको क्लियर है तो मुझे ये बता ताकि मैं आगे बढ़ो। सर बेसिकली इसके अंदर ये है कि मास्टर की जो बैकएंड फ्रंटएंड इसमें जो बनेंगी वो इसके अंदर ये होंगी, उसका मैं इसको मैं कांसेप्ट देता हूँ, एक मिनट दें, उसका मैं ब्रांचेस में आता हूँ, एक मिनट दें। ओके मुझे बताएं यहाँ तक सबको क्लियर है, चैट पे बताएं, चैट पे, ताकि मैं आगे चलूँ फिर। नाइस ठीक है, कुछ सीन है। अच्छा एक भाई बोले नमाज ब्रेक, यार ब्रो अभी तो एक 22 हो रहे हैं, थोड़ी देर में देता हूँ जरा, पहले ये ब्रांच के साथ कॉन्सेप्ट हो जाए तो फिर हम नमाज ब्रेक कर लेंगे। 145 सही है ना आई गेस? ये चेकआउट कमांड जरा रन कर दें एक दफा, वो मुझे थोड़ी कंफ्यूज है, सिर्फ रन करके दिखा दें कैसे रन किया। अच्छा अच्छा एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको।
ठीक है, मैंने प्रीवियस कमांड पे जाता हूँ मैं अपनी, नजर आ रहा है आपको या नहीं, विजिबल हो रहा है? थोड़ा ऊपर कर लें इसको, आप आपका स्क्रॉल डाउन हुआ होगा, स्क्रॉल अप कर लेंगे। एक मिनट दे, मैं कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, डेस्कटॉप पे भी आ जाता हूँ ताकि आपको जो वो मसला ना करे। टर्मिनल का है, टर्मिनल ये रहा, ये देखें मेरी प्रीवियस कमांड्स, ये देखें गिट चेकआउट, और जिस कमेंट पे आप जाना चाह रहे हैं, जिस कमेंट पे आप चेकआउट करना चाह रहे हैं उसका हैश कोड है, हैश कोड जो मैंने गिट लॉग से निकाल लिया था। ठीक है, और ये हैश कोड आपने लॉग से उठाया? जी जी, मैंने गिट लॉग से लिया था। जी जी, ठीक हो गया। अच्छा, मेरे पास जरा अजान हो रही है तो जरा दो मिनट जरा वेट कर लेते हैं, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अजान हो गई मेरे पास से। अच्छा, मुझे बताएं कि नमाज का ब्रेक अभी करना है या 1:45 पे करना है? मेरे हिसाब से 1:45 आएगा, सही था। बस ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, मैं कहा था ब्रांचेस पे आ जाता हूँ। अच्छा जी, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने एक ही ब्रांच में खड़े होकर जो है ना वो डिफरेंट कमेंट्स किए हैं, बट ऑब्वियसली बात है कि हम आगे जाके हम डिफरेंट ब्रांचेस पे भी काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ब्रांचेस का से मुराद क्या होता है बेसिकली, कि भाई लेट सपोज कि अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ कि भाई हमारे पास जो काम हो रहा होता है, हमारे पास मेनली जो ब्रांचेस बन रही होती हैं, ये मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ यही नाम्स होंगे, मैं आपको एक ब्रॉडर व्यू में जरूर बात समझा रहा हूँ। लेट सपोज कि मेरे एप्लीकेशन है तो मैंने ब्रांचेस किस तरीके से बनाई हुई है, मेरी ब्रांचेस बनी हुई है, प्रोडक्शन के नाम से बनी हुई ब्रांच, ठीक है, एक डेवलपमेंट के नाम से बनी हुई है, तो उसमें क्या होता है, यानी मैं डिफरेंट ब्रांचेस का काम, यानी मैं डिफरेंट ब्रांचेस में काम क्यों कर रहा होता हूँ, मैं एक ही ब्रांच में काम क्यों नहीं कर रहा होता, ये सवाल आ सकता है। तो उस वजह क्या होती है कि देखें, आप जब एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें मैं अगर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, या मैं किसी एक फीचर पर काम कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं एक फीचर पे काम कर रहा हूँ लॉगिन, सपोज यूजर लिस्टिंग पे मैं फीचर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है,
और एक जो है वो एक मेरा जो दूसरा डेवलपर है वो लॉगिन उस पर काम कर रहा है लेट्स सपोज। तो अब हमारे पास यह है कि अगर हम एक ही ब्रांच पे काम कर रहे होंगे तो जब तक यानी अगर तो एक ही ब्रांच पे काम हो रहा है तो अगर उसने काम हो गया मेरा काम नहीं हुआ तो वो हम कमेंट पुश नहीं कर सकते यानी कमेंट नहीं कर सकते ऑब्वियसली बात है जब तक जो है वो सारा काम हो नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ों पर यानी हमें डिपेंडेंट ना हो तो हम क्या करते हैं एक तो फीचर वाइज भी ब्रांचेस बना रहे होते हैं प्लस हमारी जो दो मेन बड़ी ब्रांचेस होती हैं वो हम उसको भी डिफरेंट करते हैं लाइक प्रोडक्शन की भी और डेवलपमेंट की। लेट सपोज मेरा एप्लीकेशन चल रही है प्रोडक्शन पे कोड पड़ा हुआ है और डिप्लॉय भी हुआ हुआ है ठीक है। अब प्रोडक्शन पे इस चीज़ चल रही है वो डिप्लॉय भी हुआ हुआ है एप्लीकेशन अप एंड रनिंग भी है। कभी भी जो है ना ये अच्छी अप्रोच नहीं होती कि आप जो है वो प्रोडक्शन वाली ब्रांच में काम करें। वजह कि भाई क्योंकि वो प्रोडक्शन वाला कोड होता है वो टेस्ट हुआ हुआ होता है सारी चीज़ें हुई होती हैं और वो अप एंड रनिंग उसमें कोई बग नहीं होता वो सही चल रहा होता है आपकी लाइव भी चल रहा होता है। उस पर अगर आप काम करने लग जाएंगे तो ऑब्वियस बात है तो वो सही से टेस्ट नहीं होगा वो डायरेक्ट जो है वो लाइव हो रहा होगा जिसकी वजह से जो है वो आपके एप्लीकेशन यानी यूज़र को जो है वो सही एप्लीकेशन ना पहुंचने के जो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हमें जब हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाती है तो हम प्रोडक्शन से डिप्लॉय कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन पर हमारा वो कोड होता है जो कि बेसिकली रेडी टू डिप्लॉय होता है यानी अब वो टेस्ट हुआ हुआ होता है हर चीज़ों से ठीक है। तो हम क्या करते हैं प्रोडक्शन पे कभी भी काम नहीं कर होता हम उसके और ब्रांच बनाते हैं डेवलपमेंट की यानी एक सेम कॉपी बना रहे होते हैं सेम एक रेप्लिका बना रहे होते हैं प्रोडक्शन का डेवलपमेंट पे। तो डेवलपमेंट का कोड प्रोडक्शन का कोड सेम होता है। मुझे कोई भी काम करना होता है तो मैं डेवलपमेंट की ब्रांच से एक नई ब्रांच निकालता हूँ और उस पर काम करता हूँ। उस पर काम करके मैंने वो अपना काम जो है वो डेवलपमेंट से मर्ज कर दिया। हाँ भाई अब डेवलपमेंट से मर्ज हो गया अब डेवलपमेंट का कोड जो है वो टेस्ट होगा डेवलपमेंट का कोड टेस्ट हो जाएगा तो वो फिर मर्ज होगा प्रोडक्शन से और फिर वो जो है वो लाइव पे जो है वो डिप्लॉय हो जाएगा। ये बेसिकली जो है ना वो एक हायरार्की हो रही होती है जो कि जो है ना जिसकी वजह से हम ब्रांचेस पे जो है ना वो ज़्यादा उस पर काम कर रहे होते हैं डिफरेंट ब्रांचेस बना रहे होते हैं। यहाँ तक सब बात समझ में आई है मुझे अच्छा एक एक बोलेगा तो समझे समझ में आएगा। पहले शुएब बोलने सर ये समझ में ये कांसेप्ट क्या है दोबारा प्लीज बता दें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं और कोई बता और क्या कोई और क्या बोला था कोई सर मैं बोल रहा था कि ये ब्रांच का कांसेप्ट एक दफा दोबारा बता दें। मैं रिपीट करता हूं ठीक है। अच्छा पहले तो ये बात समझ ले कि मैं अभी ब्रांच बनाना नहीं सिखा रहा मैं ब्रांचेस पे स्विच करना नहीं सिखा रहा। अभी मैं जैसे एक ब्रांचेस का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ब्रांचेस का हमारे पास कॉन्सेप्ट होता क्या है कि ब्रांचेस किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं क्यों बनाई जाती हैं और कितनी उसकी जो है वो अहमियत है। तो हमारे पास यह होता है कि भाई मैंने एक काम करना है तो एक तो मल्टीपल जब लोग काम कर रहे होते हैं एक बड़ी एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं ज़्यादा फीचर्स पे काम कर रहे होते हैं तो कभी भी हम एक ही ब्रांच पर रह के काम नहीं कर रहे होते हैं हम मल्टीपल उसकी ब्रांचेस बना रहे होते हैं ताकि लेट सपोज मैं एक फीचर पर काम कर रहा हूँ लिस्टिंग पे यूज़र लिस्टिंग पे तो मैं वाला कोड लिख रहा हूँ वैसी बात है। मेरा एक और कुलीग जो है वो काम कर रहा है लॉगिन पे उस पर ऑथेंटिकेशन पे तो वो उससे रिलेटेड काम कर रहा होगा। अब अगर हम सेम ही ब्रांचेस पे खड़ो के काम करेंगे सेम फाइल पे काम करेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत आएगा यानी चूंकि कि भाई इस लाइन पे ये लिखा हुआ इस लाइन पे ये लिखा हुआ वहाँ पे वो लिख रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो इसलिए हम जो है वो डिफरेंट जो है वो ब्रांचेस पे जो है वो काम कर होते हैं। ब्रांचेस से बड़ा क्या होता है कि आपकी बड़ी ब्रांच है उससे आपने उसकी कॉपी बनाई है ठीक है। मेरी एक ब्रांच बनी हुई है लेट सपोज डेवलपमेंट की ब्रांच बनी हुई है अपडेटेड ब्रांच है डेवलपमेंट की ब्रांच है भाई सही चल रही है कोड भी सही चल रहा है। नया काम करने क्या करेंगे अब नया काम कभी भी डायरेक्ट मैं डेवलपमेंट में नहीं करूंगा क्यों चूंकि भाई मैं अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट में काम करने लगा तो कोई और भी कोई काम आ सकता है कोई हॉट फिक्स भी आ सकता है तो आपको पहले फिक्स करने होंगे। तो इसलिए जो है ना हम डिफरेंट उसी कॉपीज बना के जो है वो ब्रांचेस पे काम कर होते हैं। जब मेरा काम हो जाता है तो मैं अपनी ब्रांच को जो है वो अपनी मेन ब्रांच से जो है वो मर्ज कर देता हूँ यानी अपना जो अपडेटेड कोड है वो जो मेन ब्रांच है उसमें मैं जो है वो ले जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्लियर है। कमेंट पे यस बोल दें ताकि हम आगे चलें। जी सर नाइस ठीक है ये हमने देख लिया सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट। मैं आ जाता हूँ टर्मिनल पे ठीक है मैं आया टर्मिनल पे ठीक है। ब्रांचेस देखने का तरीके का क्या है भाई मेरे पास कितनी ब्रांचेस हैं मैं यहाँ पर आया मैंने लिखा गेट ब्रांच तो देखें मेरे पास अभी एक ही ब्रांच थी। गेट इनिशियलाइज जब आप करते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली एक ब्रांच बना के दे देता है मास्टर के नाम से तो देखें वो मास्टर के नाम से ब्रांच बनी हुई है ठीक है। अभी तक हमारा जितना भी सारा कोड है वो किस पर है मास्टर पे है
कैसे, तो जब मैं लॉग भी कर रहा था तो देखें अभी लिखा भी आ रहा है कि सारे कमेंट जो है वो कौन से उस पर है, मास्टर के उस पर जा रहे हैं, देखें ठीक है। तभी तक मेरे पास कितनी ब्रांच है, मेरे पास एक ही ब्रांच है जिसका नाम क्या है, मास्टर है। मास्टर है मुझे एक और ब्रांच बनानी है, तो मेरे पास तरीकेकार क्या है, गेट ब्रांच, और मैंने यहाँ पे लिख दिया डेवलपमेंट, लेट्स सपोज मैंने दोबारा किया गेट ब्रांच, देखें क्या हुआ जाए। जिस पहले मैंने क्या चेक किया था भाई, कौन सी कितनी ब्रांचेस है मेरे पास, तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था किस ब्रांच में मैं था खड़ा हुआ, ये मैंने गिट लॉग के थ्रू देख लिया था कि भाई गिट लॉग पे लिखा हुआ भी आ रहा था, और गिट स्टेटस के थ्रू भी जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी जो है वो ब्रांच में इस टाइम खड़े हुए हैं, ऑन ब्रांच मास्टर, आप कौन सी ब्रांच पे खड़े हुए थे, मैं मास्टर पे खड़ा हुआ था। जिस ब्रांच पे खड़े हो के आपने जो है वो ब्रांच बनाई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस ब्रांच की कॉपी बनी है, मास्टर पे मैं खड़ा हुआ था तो मास्टर पे खड़े होकर मैंने क्या लिखा है, गिट ब्रांच डेवलपमेंट। तो अब क्या हुआ है, एक और ब्रांच मेरी बन गई है डेवलपमेंट के नाम से, और वो कौन सी ब्रांच से निकली है, मास्टर से निकली है, मास्टर से मैंने एक मास्टर का एक रेप्लिका बनाया है डेवलपमेंट के नाम से, किट ब्रांच किया तो देखें मेरे पास मल्टीपल ब्रांचेस आ गई डेवलपमेंट की। अभी मैं कौन सी ब्रांच पे खड़ा हुआ हूँ, तो देखें वो ग्रीन से डिनोट हो रहा है और स्टेरिक का निशान भी बना हुआ है, आपको यहाँ से भी पता चल रहा है कि आप कौन सी ब्रांच पे खड़े हुए हैं, कितनी ब्रांचेस हैं आपके पास, आपको गिट स्टेटस से भी पता चल रहा है कि आप कौन सी ब्रांच में भी खड़े हुए हैं, ठीक है। मुझे उस ब्रांच पे चेकआउट करना है, अच्छा ये क्या हुआ, ये मास्टर की पूरी कॉपी बन गई है जिसका मैंने क्या नाम दिया, डेवलपमेंट नाम दिया। अब मुझे उस ब्रांच पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, गेट चेकआउट डेवलपमेंट, राइट, मैसेज आया स्विच टू ब्रांच डेवलपमेंट, आप स्विच कर गए डेवलपमेंट की ब्रांच में, अच्छा लिखा हुआ तो आ गया। मैं मेक श्योर कैसे करूंगा, मैं मेक श्योर करूंगा गेट स्टेटस की कमांड से, तो देखें क्या लिखा हुआ है, ऑन ब्रांच डेवलपमेंट, अब आप कौन सी ब्रांच में आ गए, डेवलपमेंट की ब्रांच में। मैं अगर गिट ब्रांच भी करूंगा तो देखें आप, अब आप ग्रीन जो है वो डेवलपमेंट हुआ हुआ और स्टेरिक भी यहाँ से हुआ, तो अब क्या मतलब है कि मैं डेवलपमेंट की ब्रांच में मैं आ गया हूँ। कोई कुछ कहना चाह रहा था, जी जी सर मैं ये बोल रहा था कि वही ब्रांच है जो मास्टर है, मास्टर ब्रांच को आपने उसकी रेप्लिका डेवलपमेंट के नाम से बनाई है, जी अब ये डेवलपमेंट की ब्रांच हो गई है, ठीक है। अच्छा जी कोड देख लेते हैं, कोड देख ले, मेरे पास अपडेटेड कोड आया है V3 का, यही फाइल थी मेरे पास, यही कोड था। अगर मेरे पास VS कोड पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यार आपकी आवाज तो रुक रुक के आ रही है, मुझे चैट पे भेज दें जो आपका क्वेश्चन है, चैट कर दें। ब्रो आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप काइंडली उस पे भेज दें, मुझे चैट कर दें ताकि ये आपने डेवलपमेंट की नई न्यू आपने ब्रांच बनाई है, या फिर ये आपने चेंज ऑफ नेम करा है मास्टर का? नहीं नहीं मैंने एक और ब्रांच बनाई है, ब्रांच बनाई है, देखें न्यू ब्रांच बनाई, हाँ ये देखें ये मैंने ब्रांच बनाई थी इस कमांड की, जरूर पहले आपको कहीं डेवलपमेंट लिखा हुआ आ रहा था, नजर आ रहा था, कहीं नजर नहीं आ रहा था ना, और सर भी हमने मास्टर के अंदर आपने जो तीन कमिट किए वो भी इसके अंदर आ रहे होंगे, या इसके अंदर से वो जीरो स्टार्ट ले गई? नहीं नहीं इसके अंदर भी जो है ना वो आप, अच्छा वो मास्टर पे कमेंट हुए थे ना, वो डेवलपमेंट पे कमेंट नहीं हुए थे, अभी मैंने जाया जिसकी सिर्फ कॉपी बनाई है, तो इसका जो लेटेस्ट जो कोड होगा ना वो मेरे पास जो है वो आ रहा है, असल तो मुझे वही चाहिए ना, अपडेटेड कोड चाहिए होता है ना ब्रांच का, तो देखें वो आ रहा है V3 वाला कोड, ठीक है। तो वो आ गया मेरे पास, मैंने ब्रांच बनाई है गिट ब्रांच के थ्रू, उस ब्रांच का नाम भी देंगे आप, चेकआउट करेंगे तो उस ब्रांच में चले जाएंगे, और यहाँ पर जो है उस ब्रांच में आ चुके हैं। अच्छा जी यहाँ पर मैं आ गया, अब मैंने क्या किया है कि लेट्स सपोज ऑब्वियसली बात है, जब मैं ब्रांच न्यू बनाई है मैंने, तो उसमें मैं कुछ नया काम भी कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने फाइल में क्या किया, मैं एक और फाइल भी बना सकता हूँ, मैं इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता हूँ ना, लेट्स सपोज मैंने किया दिस इज लेट्स सपोज इसमें मुझे सपोज यूजर लिस्टिंग वाला काम करना था, तो मैं ले देता हूँ दिस पेज इज यूजर फॉर यूजर लिस्टिंग, ठीक है ये मैं हटा देता हूँ एक मिनट के लिए, ताकि आपको मैं इसका डिफरेंस समझा सकूँ कि हो जा रहा है सारा। अब तो ये मेरी ब्रांच है ना, सो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पुराना वाला कोड हटा दूँ, मैं नया वाला कोड दे दूँ, नई मैं वाली फाइल जो अब हटा दूँ, नई फाइल बना दूँ,
except to me ना, क्योंकि मेरे तो ये मेरी ब्रांच है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पुराना वाला कोड हटा दिया और जाली अपना टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव किया, मैं यहाँ पर आया गेट स्टेटस। अच्छा ये देखें कि मैंने उसी फाइल में काम किया है, मैंने कोई नई फाइल नहीं बनाई है, ये फाइल वही है जो कि मास्टर में पड़ी हुई थी, ठीक है, मैंने उसी में चेंजेस कर रहा हूँ। तो क्या क्या मसले मसाइल आएंगे मैं आपको वो बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ। अगर मैं एक नई फाइल बना के करता तो वो तो कोई इशू आता ही नहीं, तो वो फिर आपको लगता कि बहुत ही स्मूथली काम चल रहा है, सही, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सेम फाइल में काम करेंगे तो क्या इशू आएगा मैं आपको वो बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ। स्टेटस किया, वही सारी चीज़ें, रेड आ रहा है, अनट्रैक हुई हुई है फाइल, ठीक है, मैंने गेट ऐड किया, ठीक है, और फिर मैं गेट स्टेटस चेक कर लेता हूँ, मॉडिफाइड आ रहा है, सही है, गुड सीन है। गेट कमेंट किया, एडिट, क्या लिखा मैंने इस पर, यूजर लिस्ट, ठीक है, कमेंट किया, स्टेटस चेक करते हैं दोबारा, तो मेरा जो है वो कमेंट हो गया है। गेट लॉग करें तो देखें, ये देख रहे हैं आप, जब मैं गेट लॉग कर रहा हूँ तो देखें क्या क्या शो हो रहा है मेरे पास, ये देखें आपका जो लेटेस्ट कमेंट है वो कहाँ पे हुआ है, वो डेवलपमेंट पे हुआ हुआ है, ठीक है, और वो क्या हुआ, ये वाला कमेंट हुआ हुआ, उसके बाकी जितने भी कमेंट्स हैं आपके वो कहाँ है, मास्टर पे रखे हुए, इस पे नीचे नाम लिखे हुए नहीं आ रहे, इट मीन्स कि जो ऊपर वाला वही जो है वो सो ऑन चलता रहता है, अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके आगे लिखा हुआ आ जाता है। ये तीनों मेरे जो है वो मास्टर पे कमेंट हुए हुए हैं, और ये मेरा जो है वो डेवलपमेंट पे कमेंट हुआ हुआ, जब अभी करंट मेरी ब्रांच है वो कौन सी है, डेवलपमेंट की, जो कि वो मैं हेड से जो वो मुझे शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक सब स्मूथ चल रहा, आगे चलते हैं। अच्छा मैंने वो तो किया, मैंने अपना काम कर भी लिया, डेवलपमेंट में जो मुझे काम करना था मैंने कमेंट भी कर दिया, लेकिन असल चीज़ तो ये है ना कि मेरी ये चीज़ जो है वो लाइव जा सके, मेरे जो मैंने काम करा है वो प्रोडक्शन में भी जा सके। लेट सपोज अभी मैं ये समझ लें कि मेरी प्रोडक्शन वाली जो ब्रांच है वो मास्टर वाली ब्रांच है, एक मिनट के लिए, ताकि ज़रा समय समझ में आ सके, ठीक है। अब मैंने काम कर लिया अपना यूजर लिस्टिंग वाला, अब भाई मुझे प्रोडक्शन से मर्ज भी तो करना है ताकि मेरा कोड जो है वो लाइव हो सके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं चेकआउट करूँगा, मास्टर पे जाऊँगा, यानी अपनी प्रोडक्शन वाली ब्रांच में जाऊँगा, ठीक है, आ गया मैं मास्टर पे, बिल्कुल आ गया मैं मास्टर पे, ठीक है। जिस पे जिसको मुझे यानी जिस पे मुझे मर्ज करना है ना, तो मुझे उस ब्रांच पे आना पड़ेगा सबसे पहले, मैं मास्टर पे आ गया सर, एक क्वेश्चन, ठीक है, जिसको मुझे मर्ज करना है तो मुझे मुझे उस ब्रांच में जो है वो जाना पड़ेगा, ठीक है, यानी जिससे मुझे बेसिकली मर्ज करना है। अब किसको मुझे मर्ज करना है, मुझे अपडेटेड वाली ब्रांच को मुझे मर्ज करना है, डेवलपमेंट को करना है, तो मैं यहाँ पे आके वो लिखूंगा डेट मर्ज, ये मेक श्योर करिएगा बिल्कुल कि मुझे जिस पे मुझे जिसके साथ मैं मर्ज करने जा रहा हूँ पहले मैं उस पर चेकआउट कर लूँ। तो मैं मास्टर के साथ मर्ज करने जा रहा था बेसिकली, तो मैं इसलिए मुझे जो है वो मास्टर में मैंने पहले स्विच किया है, ठीक है। गेट मर्ज लिखा मैंने, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की स्पेलिंग अगर मुझसे गलत हो जाए तो बताइएगा यार, डेवलपमेंट, ठीक है भाई, हो गया, फास्ट फॉरवर्ड हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अच्छा एक हमने जो है वो चीज रह गई थी जिसकी वजह से इसने ये इस, देखें कोई भी मेरे पास इशू नहीं आया है, नहीं हमारे पास नहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, आपके पास नहीं है, हमारे पास आपके पास तो नहीं है, सेम चीज में आपको फॉलो कर रहा तो ऑटो हमारे पास एक कॉन्फ्लिक्ट है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड। हां मैंने तो उसी फाइल पे किया था, मेरे पास तो नहीं आया, आपने इसी तरीके से वीएस कोड पे किया? सर मैं वीआई से एडिट करके कर रहा हूं। नहीं आपने जो है वो क्या कहते हैं वो जो चीज थी आपकी वो लिखी हुई थी वैसे ही? जी जी कॉपी में बिल्कुल करे से रहा, बस वीआई से एडिट करके उसको सेव करवा रहा हूं। कोई देखिए मेरे पास इशू नहीं आया, बस आप कोई मुझे बताएगा क्यों नहीं आया और उनके पास आ रहा है? कोई है क्लास में? जी जी सर किसी को नहीं आईडिया है सर, बिकॉज़ ऑफ अपनी जी अभी तक जी मैंने चेक आउट नहीं किया होगा, ये चेक आउट नहीं किया, ये हो सकता है ब्रांच से कर रहा हूं अभी नहीं, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं स्विच टू ब्रांच मास्टर में हूं, इसके बावजूद ये कॉन्फ्लिक्ट एरर आया।
क्यों आ रहा कॉन्फ्लिक्ट एरर इनके पास और मेरे पास नहीं आ रहा? आपकी जो फाइल है वो डिलीट हो गई है, वो कह रहा है कि वन डिलीशन। मेरी फाइल इन्होंने मास्टर पे भी कोई चेंज की और फिर डेवलपमेंट में करके अब मर्ज कर रहा हूं, उसको कमिट ना किया हो अगर मास्टर पे तो हो सकता है। देखें अगर आप मेरे स्टेप्स बिल्कुल फॉलो कर रहे होंगे तो मेरे पास देखें बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा और कॉन्फ्लिक्ट आना भी नहीं जो वो कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जो है वो फाइल को जो है बिल्कुल ही जो है वो चेंज कर दिया, हमने चीज़ें जो है उन्हें चेंज कर दी, देखें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया मेरे पास। ठीक है, अगर तो आप यानी हम चेंज कर रहे थे तो वो फिर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आता, अभी जो कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया तो इसलिए हमारे पास जो है वो स्मूथली काम हो गया। मैं अगर अपने कोड पे जाऊँ तो देखें मेरे पास जो मास्टर मैसेज भी जो आ रहा है वो भी मैंने चैट पे लिख दिया है। चले मैं देख लेता हूँ, कोई इशू नहीं। यहाँ तक सबके बात समझ में आई है कि मैं किस तरीके से मैंने ब्रांच बनाई है, किस तरीके से मैंने उस ब्रांच पे काम किया है, किस तरीके से मैं उस ब्रांच पे चेकआउट करके वापसी आया और किस तरीके से मैंने जो सारा काम जो मर्ज किया है, सबको क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है इधर, जो आपने मुझे ये नहीं समझ आया कि जो आपने जो हमारी डेवलपमेंट ब्रांच थी उसमें आपने कोड एडिट कर दिया है, जो हमारा ओरिजिनल कोड था वो हमारी ओरिजिनल सोर्स फाइल एडिट हो गई है, लेकिन फिर भी वो किस जगह पड़ी है जो गिट उसको दोबारा हमें बता रहा है कि मैं समझ नहीं, दोबारा बोला सर। जो हमारे पास दो ब्रांचेज आ गई है ना, जो ओरिजिनल फाइल थी हमारी वो एडिट हो गई है, फिर भी जो दूसरी ब्रांच में हमारी फाइल थी मास्टर में वो एज इट कहीं गिट के पास है, वो किस जगह पर गिट सेव कर रहा है फाइल? नहीं तो मैंने गिट मैंने अपनी जो सारी मेरी जो फाइल है वो लोकल रिपोजिटरी में जो है वो सेव की थी ना। ये देखें ये जो फाइल है ना, ये फाइल किस तरीके से वो डिलीट भी नहीं हो रही और लेकर भी आ रही, ये सारा काम जो है मेरा सारा काम गिट कर रहा होता है, ये मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सारा काम जो है ना मेरा सारा गिट मैनेज कर रहा है। इसीलिए तो ये वर्जन कंट्रोलिंग के लिए बहुत अच्छा टूल होता है कि आपको सारी चीज़ें खुद मैनेज करने के बजाय, और आप सही से मैनेज कर भी नहीं सकते, वही सारे काम जो है वो गिट कर रहा था कि आपको कोई फाइल डिलीट भी नहीं करनी पड़ रही होती और मल्टीपल फाइल भी आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। कि इस तरीके से सारा जो है ना वो जो हमने सबसे पहले इनिशियलाइज किया था ना, वो इसीलिए किया था कि सारी चीज़ें जो है ना वो खुद ही जो है ना वो ट्रैक कर रहा होता है, वो सारी चीज़ें जो वो डिलीट या अगर जो वो पुरानी फाइल लेकर आनी हो तो सारी चीज़ें वो मेंटेन कर रहा होता। ठीक है जी सर। अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर है आई गेस, सबने मैसेज पे भी मुझे बोला है, हमने कमेंट भी बनाना कमेंट भी करना सीखा, कमेंट पे चेकआउट करने सवाल इनका ये था कि वो जिट जो है ये बैकअप जो फाइलों के वर्जन है वो रखता कहाँ पे, उनका सवाल शायद ये था। ये कह रहे जी मैंने जिट के सर्वर के ऊपर रखता है यार, जिट ये रखता कहाँ, जहाँ पे रेपो बनी है ना वहाँ पे सर्वर के ऊपर रखता है वो सारी चीज़ें। देखिए 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 एक मिनट मुझे बोलना थोड़ा सा, मुझे बोलना था। ठीक है अभी तक जितना भी काम किया है ना वो हमने अपने मशीन पे किया है। ठीक है अभी तक मेरे जितना भी काम है मेरी मशीन पे, मेरा मशीन का कोड आपको नजर नहीं आ रहा होगा, आपकी मशीन का कोड मुझे नजर नहीं आ रहा। अभी जितना भी काम कर रहा हूँ मैं लोकल रिपोजिटरी पे कर रहा हूँ अपनी मशीन, उसने क्या किया है एक रिपोजिटरी बनाई है मेरी मशीन पे, जब मैंने गेट इनिशियलाइज किया तो उसने रिपोजिटरी बना दी, लेकिन वो सिर्फ मेरी मशीन पे लोकल पे। अभी मैंने उसको गिटहब से यानी अभी मैंने कहीं कोई सी रिमोट रिपोजिटरी में मैंने अभी तक अपना कोड पुश नहीं किया। ठीक है तो जब मैं वहाँ करूँगा तो फिर वो वहाँ पे मैनेज करेगा, अभी मेरी सिर्फ जो है वो लोकल रिपोजिटरी पे जो है वो मैनेज कर रहा है सारी चीज़ें वो गिट। ठीक है सही ओके। अच्छा जी आई गेस हम गिट हमने काफ़ी हद तक जो है वो कवर अप कर लिया, इसमें बस एक टॉपिक रह गया है मेरा कि मैं अभी रिमोट रिपोजिटरी के साथ जो है वो किस तरीके से इसको जो है वो अपने कोड को जो है पुश करेंगे वो हम करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद हम करते हैं। सर मैं ये कॉन्फ्लिक्ट का क्या हुआ तो बताएं हुआ क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट इसको कैसे रिजॉल्व? मैं देखा आप मैं वही देख रहा हूं, आप मुझे आपने मैसेज किया ऊपर? जी जी मैंने किया था ग्रुप पे। चले एक मिनट आप ऐसा करें कि अच्छा भाई गाइज अभी जो है ना वो ब्रेक हो गई है हमारे पास, 147 हो रहे हैं, कोशिश करेंगे 2 बजे तक आ जाएं या वरना पर मैक्सिमम 2:05 तक तो आ ही जाएं, 2:05 तक हम स्टार्ट कर दूंगा मैं। ठीक है अच्छा मैं ठीक है। दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। ओके अच्छा जी मैं कहां था, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। नाइस मैं यहाँ पर आया हूँ, कहाँ थे सारी चीज़ें देख लेते हैं, गिट लॉग ठीक है, मास्टर और डेवलपमेंट क्योंकि मर्ज हो गई है तो मेरी दोनों जो ब्रांचेस हैं वो अप टू डेट हैं और
सारी चीज़ें जो है उन दोनों में अवेलेबल है. ठीक है ओके 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 ओके. गिट स्टेटस करके देख लेते हैं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो बीच में अटकी हुई है. नहीं सही. अच्छा जी अब हम करते हैं. देखें अभी तक जितना भी कोड है ना मेरा, मैं कमेंट तो कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा जो गेट है वो मेरी लोकल रिपोजिटरी यानी मेरी मशीन पे मैनेज कर रहा है. ठीक है अगर तो मेरी मशीन कुछ ख़राब हो जाती है तो ऑब्वियस बात है मेरा कोड भी जो है वो जा सकता है. तो इसलिए याद पता है कि हम जो है वो जी माइक म्यूट कर दें प्लीज. जी जी कब तक आओगे? जाएंगे ना यार. अच्छा वो क्या नाम है आते आते 150 का पेट्रोल ले आना शगा बोतल में. वो याद से लाना पेट्रोल नहीं है के? बस अब कोई पेट्रोल नहीं मंगवाएगा. ये सब चीजें जो है वो चलती रहती है ऑनलाइन में. इट इज अ पार्ट अब तो आदत हो गई है मैं भी. एनी हाउ अच्छा जी मैं कहाँ था यार. देखो ये बीच में ये हो जाता है ना फिर आपके जो माइंड से निकल जाती हैं चीज़ें. एनी हाउ मैं कहाँ था क्या कह रहा था. हाँ तो उसके लिए जो है ना हमें अपना कोड को जो है वो रिमोट रिपोजिटरी में भी जो है ना वो बेसिकली पुश करना पड़ रहा होता है ऐड करना हो रहा होता है. तो रिमोट रिपोजिटरी के लिए जो है ना आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक गिटहब है गिटलैब है बिटबकेट है या के पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपना जो है वो कोड जो है ना वो मैनेज रख सकते हैं. रिपोर्ट रिपोजिटरी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं. सही है तो इट्स अप टू यू. हम यहाँ पे जो है वो गिटहब इस्तेमाल कर रहे हैं. आप ज़रूरी नहीं कि ये डिपेंड करता है कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. प्रोसेस जो है वो सबके सेम होते हैं तो कोई ऐसा इशू होता नहीं है. ठीक है तो गिटहब जो है बेसिकली हमारे पास रिमोट रिपोजिटरी मैनेज के लिए होता है और गिट जो है ना बेसिकली हमारे पास जो है वो लोकल रिपोजिटरी मैनेज करने के लिए होता है. अच्छा जी ताकि हमारे पास जो गिटहब हम बेसिकली यानी रिमोट रिपोजिटरी इसलिए भी यूज़ करो ताकि हमारे पास जो कोड है बेसिकली वो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे आ जाए ताकि वो सबके लिए जो वो एक्सेसिबल हो जाए. तो अभी तक तो मेरे पास जो मेरा कोड है वो लोकल रिपोजिटरी का पार्ट है. मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इसको हम बात करें यहाँ पे मैं आया मैंने लिखा गिटहब. गिटहब पे सबका अकाउंट बना हुआ होना चाहिए. नहीं बना हुआ तो बना ले भाई प्लीज. ठीक है इस तरीके की लुक आएगी इसकी. मैं रिपोजिटरी में चला जाता हूँ बल्कि न्यू में ये देख रहे हैं प्लस का निशान बना हुआ आ रहा है यहाँ पे. मैंने यहाँ पे क्लिक किया न्यू रिपोजिटरी बनाई. ठीक है यहाँ पे मैं अपने रिपोजिटरी का नाम जो है वो कुछ भी रख सकता हूँ. मैंने यहाँ पे रख दिया लेट सपोज CNC 37 ऑनलाइन. ठीक है अवेलेबल भी है. अपनी रिपोजिटरी को आप पब्लिक रखना चाह रहे हैं या प्राइवेट रखना चाह रहे हैं? मोस्टली जो है वो आप पब्लिक रख रहे हैं क्योंकि ऑब्वियस बात है आप यानी अगर लर्निंग पर्पज़ के लिए कोई काम कर रहे हैं या कोई ऐसी रिपोजिटरी जो कि आप चाह रहे हैं कि और लोग भी देखें ये जिससे ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई आप मैं पब्लिक रखूँगा तो कोई इशू हो जाएगा आप उसको पब्लिक रखें. प्राइवेट रखना चाह रहे हैं तो ऑब्वियस बात है वो सिर्फ जो है वो आपको ही नज़र आ रही होगी या फिर आपको जिनको आप एक्सेस दे रहे होंगे सिर्फ उनको नज़र आ रही होगी सबको नज़र नहीं आ रही होगी. तो ये पब्लिक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट है. रेडमी की फाइल आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं नहीं करना चाहें तो ना करें इट्स अप टू यू. अगर मैं काम कर चुका हूं पहले और फिर अगर रिमोट का इसको एक्सेस दे रहा हूं तो फिर मैं रीड पी को जो है वो चेक जो है वो नहीं लगाऊंगा. क्रिएट रिपोजिटरी पे मैंने क्लिक किया तो देखिए मुझे इसने सारे स्टेप्स बता दिए कि आप ये स्टेप करो तो आपका जो काम जो है वो हो जाएगा. गिट इनिट मैं कर चुका हूं ऑलरेडी. गिट ऐड भी मैं कर चुका हूं. गिट कमिट भी मैं कर चुका हूं. सारी चीज़ें मैं कर चुका हूं. मुझे क्या करना है सिर्फ जो है वो रिमोट को जो वो ऐड करना है. तो मैं यहाँ पर आया मैंने जो है वो कमेंट इसको कॉपी किया यहाँ पर आया यहाँ पर मैंने पेस्ट किया इसको गिट रिमोट ऐड ओरिजिन ये हो रिमोट ऐड हो गया है. गिट पुश करूँगा मैं अब यूजर नेम मुझसे पूछ रहा है ये यूजर नेम अपना पासवर्ड मांग रही है. मैं पासवर्ड ले आता हूँ जरा एक जगह से. मुझे अपनी स्क्रीन जो है वो स्टॉप करनी पड़ेगी पहले जरा ताकि मैं पासवर्ड ले आऊँ. एक मिनट जस्ट
ठीक है, आई गेस मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड पेस्ट किया, एंटर किया, देखें मेरा जो है वो पुश हो गया है। लेट मी चेक, यहाँ पर गए हम, कहाँ पे रिमोट रिपोजिटरी पे, मैंने रिफ्रेश किया, देखें मेरे पास फाइल आ गई है मास्टर की, ये जो मेरा कोड था लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, और जो मेरा लास्ट कमेंट था देखिए वो भी लिखा हुआ आ रहा है सारी चीजें। अगर मैं सेटिंग्स में जाऊं तो आपको अगर और चीजें कुछ दिखा सकूं या एक्शन दिखा सकूं कुछ। सही, अच्छा जी ठीक है, सवाल थे आई गेस तो मैं माइक जी दानिश साहब बोलें। सर जस्ट फर्स्ट स्टेप में स्वयं ऐसे नई फाइल कहां से, मैं वो मुझे वो नहीं मिल रहा, फर्स्ट स्टेप मुझे से बता दे बाकी सब फॉलो कर लिया मैं। फर्स्ट स्टेप कौन सा, मतलब जहां से आपने ये न्यू खोला मुझे वो मिल नहीं रहा कहां से, हम जो ना ये दिस व्यू, इस व्यू की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं जस्ट फर्स्ट स्टेप में, हाँ आपने यहाँ से जब नया कोड कहाँ से ऐड किया था, मैंने बताता हूँ आपको, मैंने पहला स्टेप मैंने यहाँ पे किया, मैंने जब वो न्यू रिपोजिटरी करी थी ना तो वहाँ से मुझे वो एक कहाँ से की थी, हाँ मैंने न्यू रिपोजिटरी यहाँ से, ये प्लस का साइन नजर आ रहा है, ओके 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 गॉट इट, अब सही यहाँ से करेंगे, ये न्यू रिपोजिटरी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है इस पर क्लिक कर देंगे तो आप उसका नाम देते हैं रिपोजिटरी का, और फिर वो आपको एक रिमोट ऐड का आपको लिंक दे देगा। मैं आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे लिखा गिट रिमोट ऐड किया मैंने और फिर गिट पुश ओरिजिन मास्टर कर दिया, तो अब मेरे पास जो कोड मेरे पास लोकल रिपोजिटरी में मैं सेव करा था, अब जो वो मेरा जो है वो रिमोट रिपोजिटरी पे भी जो है वो सेव हो गया गिटहब पे भी, जब मेरे जो सर ऑटो अपडेट होता रहेगा या हर बार हमें फॉलो करना पड़ेगा, मतलब अगर मैं कुछ भी वहां पर चेंज करता हूं अपने लोकल रिपोजिटरी में, ये पूरा फॉलो करना पड़ेगा दोबारा यहां पर अपडेट करने के लिए, हां आपको कमिट करना पड़ेगा और पुश करना होगा दोबारा। ठीक है ठीक है, कमिट हब करते हैं लोकल रिपोजिटरी को मैनेज करने के लिए, जब मुझे अपना कोड जो है वो गिटहब पे रखना होगा रिमोट रिपोजिटरी के लिए, तो उसके लिए आप गिट पुश की कमांड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल, हसीब जी, जी हसीब बोले। सर मुझे ये पूछना था कि अभी जब हमने दोनों जो कमिट मर्ज किए थे तो उसमें आपने एक में हेलो वर्ल्ड ब्रांच मर्ज कर दिया था, दोनों ब्रांच मर्ज की थी तो हमने जो है उसमें हेलो वर्ल्ड रिमूव कर दिया था, अभी जो आपने पुश किया है गेट हब पे उस पे सिर्फ वो जो दूसरी ब्रांच की जो कोड है जो जो टेक्स्ट है वो आ रहा है, तो दोनों मर्ज नहीं आने चाहिए थे या आपने सिर्फ वो ब्रांच ही अपलोड की है। मैं बताता हूँ देखे, मेरी एक फाइल पे काम हुआ हुआ है जिसपे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, एक फाइल में मेरा काम हुआ जिसपे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, एक वही फाइल है मेरे पास index.html की जिसमें मैंने हेलो वर्ल्ड क्योंकि मैंने कॉपी बनाई थी तो वो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया मेरे पास, तो मैंने हेलो वर्ल्ड को मिटाया, तो मैंने वहाँ पे अपनी लाइन ली थी भाई दिस इज पेज फॉर फला फला जो भी है, जब मैं मर्ज करूँगा तो मर्ज का मतलब तो यही होता है ना कि जो मेरी जो मैं जो अब जो मैं आपको कोड दे रहा हूँ ये मेरा अपडेटेड कोड है तो आप इसको रख लो अपने पास, अगर तो ये लाइन नंबर 2 पे मैं लिख के दे रहा होता इसको तो फिर पहला वाला भी रहता और दूसरा वाला भी रहता, क्योंकि मैंने दोनों काम सेम लाइन पे किया था वो मिटा दिया मैंने, तो ये क्या मैसेज किया मेरी तरफ से कि भाई ये काम अपडेटेड है और ये काम अब जरूरत नहीं है इसकी मुझे, तो वो उसने इसलिए उसको उसको जो है वो इससे रिप्लेस कर दिया। मेक सेंस, आसिफ यस पूछ रहे थे, आसिफ आप हो गया आपको जवाब? जी सॉरी मैं अनम्यूट ही कर पा रहा था, यस यस जवाब क्लियर हो गया। ठीक है जी, असद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये जो हमने गिटहब पे पुश किया कि कौन सी ब्रांच थी हमारी गिट की रिपोजिटरी की जो उधर गई है? मैंने तो मास्टर ब्रांच को किया, मैंने मास्टर ब्रांच को किया, ये हमारी मर्जी है हम कोई और ब्रांच पुश कर दें गिट पे। हां हां इट्स अप टू यू,
मेनली जो है ना वो मास्टर भी जो कभी हमारा कुछ बना हुआ नहीं था, तो इसलिए मैंने मेन मास्टर बना दिया उसको. डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब, ये मैं कोई 3 मरतबा इसका जवाब दे चुका हूँ आज की क्लास में. अगर अब मेरे अलावा कोई और देना चाहे तो प्लीज जरा दें. किसी का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब, कौन इसका जवाब देना चाहेगा भाई? मैं तो 2-3 मरतबा दे चुका हूँ. जी दानिश साहब, आपने हैंड रेज किया, आप देंगे जवाब इसका? चले मैं ही दे देता हूँ. नाम भी उनका डेल लिखा हुआ है, मैं नाम भी मुखाते नहीं कर सकता. खैर देखें, गिटहब और सर मैंने जवाब दिया था, मेरा माइक म्यूट था, सॉरी. मैं ये कहना चाह रहा था कि गिट जो है हम लोकल पीसी पे जो है वो पुश कर रहे होते हैं कोड, और गिटहब से जो है वो हम ऑनलाइन जो है अपना पोस्ट पुट कर रहे होते हैं. ठीक है, देखें गिट और गिटहब बहुत एक दोनों डिफरेंट चीजें हैं. गिट बेसिकली मेरे पास क्या है, एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से मैं जो है वो ट्रैकिंग कर सकता हूँ, वर्जन कंट्रोलिंग कर सकता हूँ, अपनी फाइल को ट्रैक कर सकता हूँ कि कब चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, किसने चेंज किया है. ये सारा काम मेरा जो है वो गिट कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो गिट मैनेज कर रहा था. गिटहब जस्ट क्या है, गिटहब जस्ट एक मेरी रिमोट जो है वो रिपोजिटरी है, यानी एक ऑनलाइन मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जहाँ पर मैं अपना सारा कोड जो है वो सारा वहाँ पर रख रहा होता हूँ. जस्ट मेरे पास ये काम है उसका, रिमोट रिपोजिटरी का काम है. नॉट नेसेसरी कि आप गिटहब यूज करें, आपके पास और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बिट बकेट है, गिट लैब है, और भी दो और हैं, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं. ये सारे जो है ना वो गिट ही सपोर्ट कर रहे होते हैं. आप गिट के थ्रू कमेंट करें, ऐड करें, और इन द एंड जो है वो रिमोट उसमें ऐड कर दें, गिट पुश कर दें, तो प्रोसेस सबके सेम है. गिटहब जस्ट जो है वो रिमोट रिपोजिटरी का कॉन्सेप्ट है उसमें. आई एम श्योर कि अब बात क्लियर हो गई होगी. अच्छा जी, ठीक है, तो गिट हमने देख लिया काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम भी लग गया हमारा इस पर, हम आगे चलते हैं. गिट से रिलेटेड हमने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं. प्लीज शो द कोड एंड कौन सा कोड, किसमें और से कोड की बात हो रही होगी. चलें, मैं कहाँ था. अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट द डॉकर, जो कि हमें बेसिकली आज स्टार्ट करनी है. डॉकर डीप डाइव, आमिर भाई की प्रेजेंटेशन है ये. बुक जो हम फॉलो कर रहे होंगे वो ये वाली बुक फॉलो कर रहे हैं, डॉकर डीप डाइव, नाइजल पॉल्टन की. ये पोर्टल पे अवेलेबल भी है, वहाँ से आप जो है वो ज़रूर इसको डाउनलोड कर लेगा. ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा आपकी तरफ आऊँगा. कोई मुझे बताए प्लीज़ कि डॉकर किस से सुन के किसी के माइंड में क्या आता है, किसी ने कुछ पढ़ कर आया, कोई कुछ किसी को थोड़ा बहुत आता है तो प्लीज़ ज़रा बताएँ. असद साहब ने हैंड रेस किया है. जी असद सर, डॉकर्स का कंटेनर्स वाला कॉन्सेप्ट है. हम कोड कंटेनर्स में ऐड करते हैं और कंटेनर्स एग्जीक्यूट होता है, वो स्केलेबल भी होता है, और वो हर मशीन पे उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग रन हो जाता है. ठीक है, एक मिनट दे, मैं जरा ये लिंक भी शेयर कर दूं चैट पे, ताकि जो है वो अभी मैं चैट पे कर रहा हूँ, क्लास खत्म होने के बाद जो मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर दूंगा. ठीक है. अच्छा जी, और कोई प्लीज ऐड करना चाहे डॉकर क्या है, कुछ अपना कुछ इनपुट देना चाहे प्लीज. दानिश कुछ कहना चाह रहे हैं आप, हैंड रेस किया हुआ? नहीं सर, मैं लोअर कर देता हूँ. ठीक है, ठीक है. मोहित मसूद आई गेस कुछ कहना चाह रहे हैं. जी मोहित जी, मैं ये कह रहा था जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि एक तो हम वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर सकते हैं एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए, और उसका जो एक स्मॉलर वर्जन है कंटेनर, वो हम कर सकते हैं जो कि ज्यादा सकिंग यानी कि छोटा है, स्मॉलर वर्जन है, लाइट वेट वर्जन है, लाइट वेट वर्जन में. ठीक ठीक है, मेक्स सेंस. अच्छा देखिए प्लीज, जब कोई चीज पूछा करो ना तो प्लीज आंसर जरूर दिया करें, सब यहाँ पे सीखने के लिए आए हुए हैं. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल सही बोलें, वो आप बोलेंगे कुछ तो ही मैं करेक्ट कर सकूंगा ना. तो बोलने पे जो है ना वो जब कुछ भी चीज़ पूछी जाए तो प्लीज़ ज़रूर अपना जो है ना इनपुट ज़रूर दिया करो उस पर, ताकि इससे आपको पता चले कि आप क्या है, और हमें भी पता चले कि आपके माइंड में अभी तक क्या पेस पता चलता है हम लोगों को भी ना इससे.
अच्छा जी मुदस्सिर एक बार कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा सर डॉकर ऐसा है कि जैसे मतलब वर्चुअलाइजेशन का एक नया कॉन्सेप्ट है, जैसे पहले वर्चुअलाइजेशन आ गई थी वीएम का हो गया था, इसी तरह उसको लाइट वेट कर दिया गया है, डॉकर को कंटेनर के ऊपर जो है ना वो शिफ्ट कर दिया गया है। उसमें अब ये होता है कि आप उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हुए मुख्तलिफ कंटेनर बना के और अपने 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 जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें हार्डवेयर आपका जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है एज कम्पेयर टू वी एम। वी एम का ये होता है कि आपने जैसे आपका वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है ना कि आप एक उसके ऊपर जैसे होता है वी एम वेयर होता है उसके अंदर आप मतलब पूरी पूरी आप रैम दे देते हैं। डॉकर का कॉन्सेप्ट ऐसे है कि इसने जितनी आपको इसको रैम चाहिए होगी उस अपने हिसाब से वो रैम कैरी कर लेगा। उसको ये होता है कि शेयर्ड हार्डवेयर यूज करता है कंटेनर इसमें डॉकर के अंदर। और इसमें सर डॉकर के ऊपर ये होता है कि इमेजेस टेम्पलेट बने होते हैं डॉकर हब के ऊपर, जैसे हमारा गिटहब होता है इसी तरह डॉकर का भी एक सर्वर होता है, प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर से टेम्पलेट उठाता है और टेम्पलेट विद इन सेकंड जो है ना वो रन कर देता है। और इस तरह का कॉन्सेप्ट इसको दिया गया ताकि आपका एक तो स्केलेबल हो जाए और मतलब इसमें ज्यादा जो है ना वो आपका हार्डवेयर शेयरिंग हो जाए, इसमें हार्डवेयर आपका काफी जो कॉस्ट जो है ना वो बच जाती है। थैंक यू। नाइस 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 या मुदस्सिर, बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, नाइस परफेक्ट। अच्छा जी और कोई है जो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं वरना फिर मैं करूं स्टार्ट? ठीक है। अच्छा एक और है जीशान। जी जीशान कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप इसमें? बोलें नहीं आई गेस जीशान कुछ नहीं कहना चाह रहे। जी जहीर सर वर्क लोड कम हो जाता है इसमें क्योंकि पार्टीशन बन जाते हैं तो वो हर एक दोनों अगर दो हैं इसमें सिस्टम काम कर रहे हैं डॉक्टर के दो बने हुए तो वो दोनों एक साथ भी रन हो सकते हैं और स्लो नहीं होता काम। ठीक है परफेक्ट। चलें अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब जो आओ मेरी सुन ले थोड़ी सी। ठीक है। अच्छा जी ये हमारे पास स्लाइड्स है जिसको हम ये मैंने बुक में से ही जो है आमिर भाई ने निकाली हुई है की पॉइंट्स इसमें लिखे हैं प्रेजेंटेशन से, तो जरा प्रेजेंटेशन से पीपीटी से जरा जो इजीली समझ में आ जाती चीज। बाकी बुक जो है ना हम ये वाली फॉलो कर रहे हैं, बुक जरूर प्लीज रीड करिएगा। जैसे कि हमने इंग्लिश पे कहा था बुक लास्ट भी रीड करेगा, जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं। अच्छा बैड। अच्छा जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं बैड ओल्ड डेज। अच्छा जी पहले जमाने में क्या होता था हमारे पास, पहले क्या होता था कि हमारे पास यूजुअली वन ऐप वन सर्वर हो, यानी हमारे पास जो भी कोई एप्लीकेशन होती थी वो डिप्लॉय होती थी एक सर्वर पे, यानी एक सर्वर पे एक ही एप्लीकेशन जो है हमारे पास जो है वो डिप्लॉय हुआ करती थी। ठीक है। उसकी वजह क्या होती थी? उसकी वजह ये होती थी कि भाई हमारे पास जो है वो टेक्निकल स्किल्स का या कह लें आप इतने टूल्स हमारे पास जिसकी मदद से जो है ना वो हम ये मैनेज कर सकें या अंदाजा लगा सकें कि हमारे पास कितनी रिसोर्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं, सारी चीज़ें ये हमारे पास सारी चीज़ें मैनेज नहीं थी। प्लस ये कि हमारे पास जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डिपेंडेंसीज के भी इशू थे कि भाई किसी पे जो है हमारे पास विंडोज चल रही होती थी और किसी पे जो है ना हमारे पास जो है वो लिनक्स चल रही होती थी, तो यानी हमारे पास ये मल्टीपल डिपेंडेंसीज की वजह से और टेक्निकल स्किल्स या टूल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थी जिसकी वजह से हम ये जजमेंट कर सके कि हमारे पास कितनी रिसोर्स रिक्वायर्ड होती थी। तो इसलिए क्या हो रहा होता था पहले कि भाई एक सर्वर पे एक ही एप्लीकेशन डिप्लॉय होती थी, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते थे? इसके डिसएडवांटेजेस ऑब्वियसली बात है कि भाई जब मल्टीपल हमारे पास सर्वर्स हैं यानी एक एक एप्लीकेशन एक एक सर्वर पर डिप्लॉय हो रही है तो कितने सर्वर्स हमारे पास हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कॉस्टली बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी उसकी जो है फिर जब मल्टीपल सर्वर्स हैं बहुत सारे सर्वर्स हैं तो उसकी मैनेजेबिलिटी, उसकी मेंटेनेंस, उसको लुक आफ्टर करना, उसके लिए रिसोर्स वगैरह, उसकी मेंटेनेंस, उसको बैकअप को सारे मैनेज करना, तो इसके लिए हमारे पास
इसी तरीके से और भी हमारे पास चाहिए कि भाई उसकी जो है वो डिसएडवांटेजेस में जो है वो आते थे। ये उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है वीएमवेयर का। बेसिकली वीएमवेयर एक 1998 में जो है वो एक जो वजूद में आई, और वो उसने क्या किया, उसने हमारे लिए एक ऐसा टूल प्रोवाइड किया जिसको हम वीएमवेयर के नाम से कह रहे होते हैं, यानी उसके रेप्लिकेट में, यानी उसके जो हमारे पास पहले जमाने में काम होता था उससे बेहतरीन बेहतर की उसमें वीएमवेयर हमारे पास आया। वीएमवेयर में हमारे पास क्या होता है, वीएमवेयर के हमारे पास कुछ बेनिफिट्स भी हैं और सिमिलर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। बेनिफिट्स इन दस केस में क्या है हमारे पास कि भाई मल्टीपल ऐप ऑन अ सिंगल सर्वर। जो इशू हमारे पास पहले आ रहा था कि भाई एक एप्लीकेशन पे एक ही सर्वर जो है ओ एक सर्वर पे एक ही एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय हो सकती थी, तो उसको ओवरकम किया हमारे पास वीएमवेयर ने। कि इसने क्या किया कि भाई डिफरेंट आपके पास जो वो एप्लीकेशन हो तो वो एक ही सर्वर पे जो है वो डिप्लॉय हो सकती हैं, ठीक है। डिफरेंट ओएस एंड डिपेंडेंसीज ऑन सेम सर्वर यूजिंग वीएम्स। ऑब्वियसली बात है जब डिफरेंट एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रही है तो वो डिफरेंट उसके जो आप गैस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं ऑन अ सिंगल सर्वर, यानी एक ही सर्वर पर रहते हुए आप गैस मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए और उसके हिसाब से जो आप जितने भी एप्लीकेशन हो उनके हिसाब से अलग अलग जो है वो इंस्टेंस आप उसके जो है वो डिप्लॉय कर दें। मच बेटर ओल्ड वन। ऑब्वियसली बात है उस केस में हमारे पास जो है वो मल्टीपल सर्वर हो रहे थे एक एक एप्लीकेशन के लिए, एक एक सर्वर रिक्वायर्ड था हमारे पास। वीएमवेयर ने उसको ओवरकम करा, उसने कहा भाई नहीं भाई एक ही सर्वर पे जो है मल्टीपल एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं, तो इससे बेटर था, सेव लॉट ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली बात है जब सर्वर कम होगा मेरे पास तो रिसोर्सेज भी जो मेरे पास जो है वो कम हो गई हैं। इसी तरीके से हमारे पास इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ वीएमवेयर में, वो क्या कि ओएस कंज्यूम लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। वो तो बात हमारे पास ओवरकम हो गई कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल सर्वर नहीं रहा है, अब एक ही सर्वर हो गया जिसमें हम मल्टीपल एप्लीकेशन अब डिप्लॉय कर सकते हैं चला सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है वीएमवेयर के केस में कि इसको मल्टीपल एप्लीकेशन चलाने के लिए जो है ना उसको एक एक जो है ना वो गेस्ट ओएस की जरूरत पड़ रही है, एक एक जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ रही है। तो ऑब्वियस बात है ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो कुछ रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहा होता है, तो वो इसमें अभी भी जो है ना वो स्टिल एक डिसएडवांटेज चल रहा था। लाइसेंस कॉस्ट ऑफ एवरी ओएस इंस्टेंस। अगर मैं लिनक्स की बात ना करूं, अगर मैं विंडोज़ की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है विंडोज़ के लिए मुझे जो है वो लाइसेंस विंडो की जरूरत होती है, लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। तो अगर मेरे पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है और मुझे सब पे जो वो एक गेस्ट ओएस बनाना है तो सब पे मुझे क्या करना होगा, एक ही मुझे जो है ना विंडोज़ के लिए मुझे एक लाइसेंस वर्जन जो है वो खरीदना पड़ा होगा हर इंस्टेंस के लिए। तो ऑब्वियस बात है ये स्टिल डिसएडवांटेज मेरे पास जो है वो चल रहा है। अगर इसकी पिक्चर देखें तो पिक्चर देखें यहाँ पे एक बहुत बड़ी पिक्चर बनी हुई है और एक ज़्यादा उसमें ब्रॉड वे में समझाया हुआ है। मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मेरा कंप्यूटर या मेरा लैपटॉप या मेरा सर्वर हो गया, उसमें मेरा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और एक हाइपरवाइजर की लेयर है। हाइपरवाइजर की लेयर क्या करती है मेरे पास, हाइपरवाइजर की लेयर ये करती है कि आपकी जो उस सर्वर की जो हार्डवेयर को जो है ना बेसिकली आइसोलेट कर देती है। इट मीन्स कि बेस ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट कर देती है ताकि उसके हार्डवेयर को जो है ना वो बिल्कुल भी यूज़ जो है वो कर सके, ठीक है। इसके ऊपर चाहे देखें मेरे पास जो है मल्टीपल मैंने जो है वो इंस्टेंस बना लिए, इंस्टेंस बनाया तो हर किसी को जो है ना मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। वीएमवेयर का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा आप लोगों को, डिफरेंट मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है वीएमवेयर में, तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बना के तीन जो है वो एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय कर दी। तो ये कॉन्सेप्ट था मेरा जो है बिल्कुल जो है वो वीएमवेयर का। हाइपरवाइजर की लेयर को हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो एक लेयर होती है सारी चीज़ें जो कि हमारे पास जो ट्रैक कर रही होती है उसमें बिटवीन द आपकी एप्लीकेशन और सर्वर में, और क्या चीज़ें इसमें This makes it possible for multiple guest VMs to at least share the system physical compute resources. ये सारी resources को जो है वो आपकी जो है वो share कर रही होती है, और basically ये एक virtual machine monitor भी जो है वो basically जो है वो कह रहे होते हैं इसको। अच्छा जी आगे जाए containers, ठीक है। यहाँ तक अभी तक हमने चार discuss किया है कि containers के आने से पहले क्या काम हो रहे थे और किन किन उसमें क्या क्या फ़ायदे थे और क्या क्या उसमें जो है वो नुकसान थे, ताकि किन किन चीज़ों की वजह से जो ना वापस वो कंटेनर आया है, किन किन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। तो आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर है, तो मैं आगे कंटेनर पर चलूँ क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ जो है वो हिस्ट्री को डिस्कस किया है। मुझे यस बोल दें कमेंट पर ताकि मैं आगे चलूँ। नाइस। अच्छा जी अब आया मेरे पास कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट। कंटेनर्स को देखिए जिस तरीके से मेरे पास पिक्चर में नज़र भी आ रहा है कंटेनर किसको कह रहे होते हैं। कंटेनर को अगर मैं अभी स्लाइड पे आने से पहले अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल हमारी डेली उसमें रूटीन में, तो मैं कैसे समझा सकता हूं आपको, लाइक जैसे मेरे पास एक फ्रिज रखा हुआ है। अब उस फ्रिज के अंदर मेरे पास जो है मल्टीपल कंटेनर्स रखे हुए होते हैं,
किसी में मेरे पास जो है वो सब्जियां रखी हुई हैं, किसी कंटेनर के अंदर जो है ना मेरा वो रात का पका हुआ खाना रखा हुआ है, किसी कंटेनर के अंदर जो ना मेरा वो गोश्त रखा हुआ, मीट रखा हुआ है। इस तरीके से मेरे पास जो है फ्रिज के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स रखे हुए होते हैं, उस कंटेनर के अंदर उसकी जो चीजें होती हैं और वो कंटेनर आपस यानी रखे हुए होते हैं बराबर बराबर में, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सब्जी के अंदर जो वो रात का खाना मिक्स हो गया या गोश्त मिक्स हो गया या पानी चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी बिल्कुल यानी एक दूसरे से डिफरेंट भी होते हैं और बराबर बराबर भी रखे हुए होते हैं, और हर कंटेनर का जो है उसमें अपना काम होता है। तो ये थोड़ा सा कंटेनर का कॉन्सेप्ट होता है। कंटेनर टेक्नोलॉजी ऑल्सो जस्ट कंटेनर इज अ मेथड टू पैकेज an application, so it can be run with a dependency isolated from other process. वही बात जो मैंने अभी फ्रिज की एग्जांपल दी, वही बात यहाँ पे कर रही है कि भाई कंटेनर जो है बेसिकली एक कंटेनर को हम जो है टेक्नोलॉजी जो है एक सेम लाइक जो है वो एक कंटेनर को कह रहे होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि वो एक पूरी एप्लीकेशन को जो है एज अ पैकेज उसकी डिपेंडेंसीज के साथ जो है वो उसमें रखी हुई होती है, जो कि आइसोलेटेड होती है फ्रॉम अदर प्रोसेस, यानी और दूसरे प्रोसेस से जो है बिल्कुल वो आइसोलेटेड की फॉर्म में रखी होती है। ऐसा नहीं होता कि दूसरे को जो है वो डिस्टर्ब कर रही होती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम द बिग वेब स्केल प्लेयर्स लाइक गूगल हैव बीन यूजिंग कंटेनर टेक्नोलॉजीज। अच्छा, गूगल जैसे बड़े प्लेयर जो है वो बहुत पहले से जो है वो कंटेनर की टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज कर रहे हैं। एंड मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कंटेनर्स एंड वीएम मॉडल, या वीएम जो हम अभी पीछे डिस्कस कर आ रहे हैं उसमें और कंटेनर में क्या डिफरेंस है और क्या इसमें बेनिफिट्स हैं, क्या क्या हमें चीज़ें अच्छी अच्छी मिल रही हैं उसमें, क्या क्या उसमें ड्रॉबैक थे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखी हुई हैं। सिंगल ओएस सबसे मेजर जो चीज़ कि भाई वीएमवेयर में हमारे पास ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया था कि भाई आपको एक ही सर्वर पर मल्टीपल एप्लीकेशन आप डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए हर एप्लीकेशन के लिए मुझे एक गेस्ट ओएस की जरूरत पड़ रही थी, जो कि ओएस भी एक इटसेल्फ एक रिसोर्स जो है वो ज़्यादा ले रहा होता है। तो कंटेनर के कॉन्सेप्ट में क्या आया, सिंगल ओएस, यानी ऑल कंटेनर्स ऑन अ सिंगल होस्ट शेयर अ सिंगल ओएस, यानी जो आपका जो मशीन का यानी आपके सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ये वही जो है वो उसको यूज कर रहा होगा, इसके लिए मुझे अलग से एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। लेस हार्डवेयर रिसोर्स ऑब्वियसली बात है कि रिक्वायर्ड कर रहा था तो वो भी मेरे पास कम हो गई। लेट्स सपोज अगर मैं कोई वीएमवेयर के कॉन्सेप्ट में हर मुझे एप्लीकेशन के अगेंस्ट मुझे एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जब मुझे इंस्टॉल करना पड़ रहा है रखना पड़ रहा है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक अगर मैं लिनक्स की बात करूँ तो उसके लिए मुझे 2 GB तो एटलीस्ट रिक्वायर्ड होती है मेमोरी में उसके, तो उसके लिए क्या है अब अगर मुझे 4 मैंने इंस्टेंस बनाए तो मुझे 4 यानी 8 GB मुझे जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो ऑब्वियस बात है उसके लिए मुझे हार्डवेयर भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होनी पड़ रही थी। जब यहाँ पे सिंगल ओएस का कॉन्सेप्ट आया तो हार्डवेयर भी जो है मेरे पास जो है वो इन द सेंस कम हो गए, लाइक सीपीयू या रैम या स्टोरेज की उसमें सूरत में। लाइसेंस फी की बात करूँ तो ऑब्वियसली बात है कि जब वीएमवेयर की बात करें तो उसमें जब मल्टीपल गेस्ट ओएस थे, जब हमने बात करी कि अगर मुझे विंडोज इंस्टॉल करनी पड़ जाती है तो मुझे हर किसी के लिए जो है ना वो एक लाइसेंस खरीदना पड़ जाएगा। यहाँ पे जब सिंगल ओएस का कॉन्सेप्ट है तो ऑब्वियसली बात है मुझे सिर्फ एक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है खरीदना पड़ेगा और मुझे सारे जो मेरी एप्लीकेशन जो है वो वही यूज़ कर लेंगे, मुझे अलग अलग जो है ना वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी लाइसेंस फी जो है वो भी जो है वो कम हो गई। पोर्टेबल एंड फास्ट, ऑब्वियसली बात है जब कंटेनर जो है मेरे सारे जो है वो फास्ट होते हैं, यानी फास्ट टू स्टार्ट यानी जल्दी जो मेरा वो रन हो सकते हैं। अल्ट्रा पोर्टेबल यानी मैं उसको कहीं से भी जो है वो उसको जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास एक डॉकर हब का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे तरीके से गिट हब है, सही से डॉकर हब है, जहाँ पे मैं उसको जो है वो पुश कर सकता हूँ, मैं कहीं से भी जो है वो उसको जो है वो बैठ के यूज़ कर सकता हूँ। वंस वर्ड विल वर्क एवरीवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से भी कंटेनर की टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक क्या कि भाई अगर मैं कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, अब मेरे पास तो एप्लीकेशन बिल्कुल सब चीज़ें परफेक्ट चल रही है, एप्लीकेशन काम भी कर रही है, उसकी डिपेंडेंसी मेरे पास सारी इंस्टॉल हुई हुई है, परफेक्ट काम कर रही है, लेकिन अब मैंने उस एप्लीकेशन को मैंने किसी और को फॉरवर्ड किया कि भाई सपोज मैंने क्लाइंट को दिया भाई ये लो ये तब से काम हो गया, अब तुम चेक कर लो सारी चीज़ें चल रही हैं, अब उसके बाद समाओ एप्लीकेशन चलती ही नहीं है। ये फेस हमें बहुत दफ़ा जो है ना फेस करना पड़ा होता था कि भाई एप्लीकेशन मेरे पास तो सक्सेसफुली सही चल रही है, लेकिन मैंने जिसको दी उसके बाद मसला कर रही है। तो उसमें उस केस में क्या होता था कि उसके पास कोई ना कोई डिपेंडेंसी का इशू आ रहा होता था, वो बोलता है भाई पहले वो इंस्टॉल करो फिर चलेगा। तो इस चीज़ को भी ओवरकम करने के लिए मेरे पास कंटेनर्स की जो है वो कॉन्सेप्ट आया कि आप क्या करें कि उसमें जो है वो उसको कंटेनराइज करके जो है वो आप एप्लीकेशन को उसको दें, तो उससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो सारी जो है डिपेंडेंसी जो है ना उसको वो जो है वो मिल जाएंगी, उसके पास ये वाला जो है वो इशू जो है वो नहीं आएगा। कंटेनर रिजल्ट्स इन सेविंग ऑन द कैपेक्स एंड ओपेक्स फ्रंट्स।
सॉरी अच्छा जी जाहिर सी बात है जब हमने सारी चीजें तो उसके फायदों में हमें नजर आ रही है सारी चीजें कि भाई मेरी पैसे भी पैसों की भी बचत हो रही है और मेरी ह्यूमन रिसोर्सेज भी बच रही हैं, मनी बच रही है यानी कैपेक्स मेरा बच रहा है और ओपेक्स यानी मेरी ह्यूमन रिसोर्सेज बच रही है, मनी इन द सेंस कि मेरी लाइसेंसेस भी जो है वो उसके जो मेरा बच रही है। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो ऑब्वियसली बात है जब मल्टीपल चीजें नहीं है मेरे पास सिंगल ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया तो मेरे पास जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज भी जो है वो कम जो है वो यूज होंगी। टाइप ऑफ कंटेनर्स, टाइप ऑफ कंटेनर्स पे मैं जाने से पहले जो हमने कंटेनर्स की स्लाइड डिस्कस करी है वो सबको क्लियर है तो मुझे प्लीज यस का मैसेज कर दें ताकि हम आगे चलें। नाइस चले आगे चलते हैं। अच्छे जी टाइप्स ऑफ कंटेनर, कितने तरीकों के हमारे पास जो है वो कंटेनर्स हो सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लिनक्स के कंटेनर्स। लिनक्स के लिनक्स में तो यानी बहुत पहले से जो है वो लिनक्स जो है वो कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। कंटेनर टेक्नोलॉजी इज नॉट अ न्यू फिनोमेनन एंड हैज लॉन्ग बीन अ कोर फीचर ऑफ लिनक्स। लिनक्स का तो बहुत अरसे से जो है ये कोर फीचर है कंटेनर्स का। द एडवांस इन रिसेंट ईयर्स ऑफ कंटेनर टेक्नोलॉजी इट हैज बिकम ईजियर टू यूज एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर हैव एम्बेस्ड देम फॉर दिस सिंपलिसिटी एंड अवॉइडिंग कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स। अच्छा अभी कमिंग्स ईयर में ऑब्वियसली बात है जब पहले जमाने में जब चूंकि तो शुरू से इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है लिनक्स कंटेनर्स की टेक्नोलॉजी को तो पहले तो इतनी अच्छी नहीं थी, अब तो बहुत ईजी और सिंपल हो गई है और बहुत अवॉइडिंग इसमें प्रॉब्लम्स है ताकि वो ईजिली जो आप कंटेनर्स को जो वो यूज़ कर सकें। दे ऑल्सो इनेबल अ प्रोग्राम टू बी ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर पीसेज, ये ऑल्सो यानी ये इनेबल करता है जिसमें आप स्मॉलर पीसेज जिसमें हम जो माइक्रो सर्विसेज का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। गूगल जो है वो बेसिकली बहुत अरसे से इसको इस्तेमाल कर रहा है। गूगल इज नॉट अलोन, बहुत सारी और भी कंपनीज जो वो इसमें इस्तेमाल कर रही होती है। विदाउट दीस कंट्रीब्यूटर वी वुडंट हैव मॉडर्न कंटेनर्स टुडे। ऑब्वियसली बात है जब तक ये बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें कंट्रीब्यूट ना करती तो हमारे पास आज जिस कंटेनर जितना ईजी और सिंपल उसमें हमारे पास है वो ऑब्वियसली बात नहीं होता हमारे पास। विंडोज में भी हमारे पास कंटेनर का कॉन्सेप्ट है। ओवर द past few years Microsoft Corp has worked extremely hard to bring Docker and container technologies to the Windows platform. Obviously baat hai jab Windows Linux mein to bahut pehle se tha containers ka concept Windows mein nahi tha to Windows ne bhi jo hai wo kuch saal saalon pehle bahut zyada mehnat Docker ke sath karke jo hai wo container technology ko jo hai wo Windows ke platform mein jo hai wo enable karwaya hai taki Windows ke jo user hain wo bhi jo hai wo containers ko jo hai wo exactly jo hai wo basically use kar sake। तो बिल्कुल भी अब बिल्कुल सेम द यूजर पेस टूरिंग टू वर्क विद दीज विंडो कंटेनर्स डॉकर विंडो कंटेनर्स को बेसिकली यानी जो लिनक्स के कंटेनर्स हैं उनको हम बेसिकली लिनक्स कंटेनर कह रहे होते हैं, जो विंडोज में जो कंटेनर्स बन रहे होते हैं उनको हम विंडोज कंटेनर कह रहे होते हैं। दिस मेक्स द डॉकर एक्सपीरियंस ऑन विंडोज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम एज डॉकर ऑन लिनक्स। सॉरी यार, तो जिस तरीके से सेम एक्सपीरियंस जो लिनक्स में डॉकर जिस तरीके से काम कर रहा होता है कंटेनर बन रहे हैं इस तरीके से सेम जो है ना वो हमारे पास विंडोज में भी अब जो है वो अवेलेबल है। दिस वे डेवलपर एंड सेज एडमिन फैमिलियर विद द डॉकर टूल सेट फ्रॉम द लिनक्स प्लेटफॉर्म विल फील एट होम यूजिंग विंडोज कंटेनर। इसी तरीके से जिन्होंने लिनक्स कंटेनर इस्तेमाल किए होते हैं वो भी सिमिलर जो आप जो है वो विंडोज कंटेनर जो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप लिनक्स में कंटेनर बना रहे हैं या विंडोज में कंटेनर बना रहे हैं, दोनों में हमारे पास जो है ये अब जो है वो फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल हैं। तीसरा क्या हमारे पास मैक कंटेनर। अच्छा मैक कंटेनर का जो है वो कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज करंटली नो सच थिंग एज मैक कंटेनर। हाउएवर यू कैन रन लिनक्स कंटेनर्स ऑन योर मैक यूजिंग। हमारे पास क्या है विंडोज में कंटेनर बनते हैं जिसको हम विंडोज कंटेनर कह रहे होते हैं, लिनक्स में कंटेनर बन रहे होते हैं जिसको हम लिनक्स कंटेनर कह रहे होते हैं। मैक के जो बेसिकली मैक कंटेनर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है तो अगर इनकी जिनके पास मैक मशीन होती है तो वो क्या करते हैं वो बेसिकली लिनक्स के ही कंटेनर को जो है वो यूज कर रहे होते हैं यूजिंग द VMware। This work by seamless running your contains inside of a lightweight Linux VM running on your Mac. तो ये बहुत ही यानी जितने भी हमारे पास मार्केट में Mac यूजर्स हैं वो सारे जो अगर Linux कंटेनर इस्तेमाल जिनको कंटेनर इस्तेमाल करना होता तो वो VMware के थ्रू जो वो Linux की कंटेनर को जो वो इस्तेमाल कर होते हैं। इट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर विद डेवलपर हु कैन ईजिली डेवलप एंड टेस्ट देयर Linux कंटेनर ऑन देयर Mac। तो आप वो Mac पे भी जो है वो Linux कंटेनर्स के कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं यूजिंग द टाइप ऑफ Linux कंटेनर। अच्छा जी और कंटिन्यू क्या लिखा हुआ है इसमें, इट इज वाइटल टू अंडरस्टैंड दैट अ रनिंग कंटेनर यूज द कर्नल ऑफ द होस्ट मशीन इट इज रनिंग ऑन। हाँ
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है इसमें कि भाई हमने ये तो डिस्कस कर ली कि इसके मल्टीपल टाइप्स हैं, लाइक लिनक्स के कंटेनर हैं जो कि लिनक्स में बन रहे होते हैं, विंडोज कंटेनर जो कि विंडोज में बन रहे होते हैं। तो एक और मजीद हमें बातचीत ध्यान में रखनी है, दिस मीन्स दैट अ कंटेनर डिजाइंड टू रन ऑन अ होस्ट विद विंडोज कर्नल विल नॉट रन ऑन अ लिनक्स होस्ट। लाइक अगर आपने कोई कंटेनर बनाया है जो कि विंडोज पे रहते हुए बनाया है, तो ऑब्वियसली बात है जब मैंने विंडोज पे रहते हुए कोई कंटेनर बनाया है तो उसमें जो कर्नल यूज हुआ होगा वो विंडोज का इस्तेमाल हुआ होगा, तो अब वो कंटेनर जो है वो आप लिनक्स की मशीन पे नहीं चला सकते क्योंकि उसमें विंडोज का कर्नल इस्तेमाल हुआ होगा। दिस मीन्स दैट यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस इज अ हाई लेवल विंडोज कंटेनर्स रिक्वायर्ड है, विंडोज ऑब्वियसली बात है जब विंडोज पे कंटेनर बना है तो उसको विंडोज का होस्ट रिक्वायर्ड है, अब आप उसको लिनक्स कंटेनर पे लिनक्स की मशीन पे चलाएंगे तो ऑब्वियस बात है नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने लिनक्स पे रहते हुए कोई कंटेनर बनाया है और वो आप विंडोज पे मशीन पे चलाना चाह रहे हैं तो वो चल सकता है, एक उसका मूड होता है स्विच, तो आप उसको अगर मूड को चेंज कर दें तो उसके थ्रू जो वो आप लिनक्स के कंटेनर को विंडोज की मशीन पे चला सकते हैं, लेकिन विंडोज कंटेनर को आप लिनक्स की मशीन पे नहीं चला सकते। अच्छा जी, डॉकर यहाँ से फाइनली स्टार्ट होने वाला है, यहाँ तक हमने जस्ट उसकी हिस्ट्री और कंटेनर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखा है, कंटेनर की टाइप्स हमने डिस्कस करी, डॉकर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा जी, यहाँ तक तो सब क्लियर ही चल रहा है ना, मैं चैट देख ही रहा हूँ, गुड सीन है। Need these slides, bro? मैंने chat पे send करी भी already. I guess मैं check करता हूँ दोबारा अगर मेरे, या मैं दोबारा share कर दी देखिए। अच्छा जी, Docker, 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 Docker. Yeah, is Docker a container? मैंने अभी तक जितनी बात करी container की बात कर रहा हूँ, तो क्या Docker जो है वो container है? नहीं भाई, Docker जो है वो container नहीं है, Docker जो है basically एक software है that run, जो कि basically manage कर रहा था हमारे containers को। ठीक है, डॉकर क्या है? बेसिकली सॉफ्टवेयर जो हमारे बेसिकली कंटेनर्स को जो है वो मैनेज कर रहा था, उसकी ऑर्केस्ट्रेशन को जो है वो कंटेनर्स की जो बेसिकली ऑर्केस्ट्रेशन कर रहा होता है। ऑर्केस्ट्रेशन हमने बहुत डीपली जो है वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा था जब हम क्लाउड नेटिव सारी चीजें पढ़ रहे थे। इट क्रिएट्स एंड मैनेजेस एंड ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू ऑर्केस्ट्रेट कंटेनर, क्रिएट कर रहा था, मैनेज कर रहा था और ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था। द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ द मोबी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ऑन गिटहब। बेसिकली जो ये सॉफ्टवेयर है ये डेवलप हुआ हुआ है मोबी के नाम से, जो कि ओपन सोर्स रखा हुआ है प्रोजेक्ट गिटहब पे, आप भी जाके दे सकते हैं मोबी करके, गिटहब पे सर्च करके तो आपको जो है वो ओपन सोर्स वाला प्रोजेक्ट जो है वो मिल जाएगा। डॉकर INC यानी डॉकर इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपनी बेस्ड, कंपनी ये बेस्ड है सैन फ्रांसिस्को की एंड इज ओवरऑल मेंटेन ऑफ द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, इसका ओपन सोर्स जो है वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है गिटहब पे। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस कंटेनर रिमेन कॉम्प्लेक्स एंड आउटसाइड ऑफ द रीच ऑफ मोर ऑर्गेनाइजेशन, अभी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वो इसको रन करना या इसको चलाना जो वो अभी भी थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं, जबकि बहुत अब आजकल जो है वो अब इजीली हो गया टाइम टू टाइम। इट वाजंट अंटिल डॉकर केम अलोंग दैट कंटेनर वर एफर्टली डेमोक्रेसी एंड एक्सेसिबल, इट वुड बी रॉन्ग टू से दैट डॉकर मेड कंटेनर सिंपली, वही बात कि भाई ये कहना गलत नहीं होगा कि डॉकर ने जो है वो कंटेनर्स की टेक्नोलॉजी को या कंटेनर्स को यूज करने के लिए हमारे लिए जो है वो बहुत जो है वो ईजीली कर दिया है। When most technologies talks about Docker, they're referring to the Docker engine. Obviously, बात है जब Docker की technology की बात करी जाती है तो मतलब क्या होता है Docker engine. Docker engine क्या है? Basically, Docker engine Docker का एक key component है, बहुत एक core component इसे कह सकते हैं Docker engine. आगे जाके हम different slides में उसको discuss भी कर रहे होंगे कि Docker engine का basically exactly क्या काम है, लेकिन अभी ये लिए बात समझ लें कि Docker engine जो है basically Docker का एक बहुत एक core component है. The Docker engine can be downloaded from the Docker website, obviously. कि ये भी हमारे पास जो है वो ओपन सोर्स रखा हुआ है, आप डॉकर की वेबसाइट से ये भी जो है वो इसका कोड जो है आप देख सकते हैं। इट्स अवेलेबल ऑन लिनक्स एंड विंडोज, दोनों में जो है वो अवेलेबल है डॉकर, लिनक्स एंड विंडोज, हमने प्रीवियस भी देख करा चुके हैं अभी। अच्छा, इस केस में क्या होता है, डॉकर हमारे पास जो है वो दो वर्जन पे अवेलेबल है, लाइक इसका कम्युनिटी एडिशन भी है, लाइक फ्री वर्जन भी है, लाइक इसका एंटरप्राइज एडिशन भी है जो कि बेसिकली पेड वर्जन होता है, जो कि मोस्टली जो है वो कंपनीज इस्तेमाल कर रही होती है, तो आप जो है वो कम्युनिटी एडिशन ही जो है वो अपने पास जो है वो स्टोर कर लेगा, हम भी यानी यूजुअली वो जो है वो वही यूज करोगे, तो ये इसके डिफरेंट जो है वो दो एडिशन भी है। अच्छा जी, कंटेनर इकोसिस्टम, कंटेनर इकोसिस्टम क्या बेसिकली कि भाई हमारे पास जो है ना वो कंटेनर्स में जो है वो कुछ थर्ड पार्टी चीजें भी अवेलेबल
आ रही होती हैं लाइक बैटरीज वगैरह या और चीज़ें वगैरह. तो बैटरीज इन द सेंस यही है कि डिफरेंट इसके जो है वो लाइब्रेरीज कह लें जो कि इसके साथ हमें मिल रही होती है. तो इट्स अप टू यू कि आप जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं. लाइक नेटवर्किंग की चीज़ें हैं कि भाई उसमें आप चाह रहे हैं यूज़ करना नेटवर्किंग को. जैसे यहाँ लिखा हुआ द कोर डॉकर प्रोडक्ट शिप्स विद बिल्डिंग इन नेटवर्किंग बट द नेटवर्किंग स्लैक इज प्लगेबल मीनिंग यू कैन रिप आउट द नेटिव डॉकर एंड नेटवर्किंग एंड रिप्लेस इट समथिंग एल्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी. तो इट्स अप टू यू कि डिफरेंट कुछ और भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं इसके साथ साथ लाइक नेटवर्किंग वाली चीज़. तो आप उसको प्लगेबल क्योंकि वो प्लगेबल होती हैं आप मर्जी आप उसको यूज़ करें या ना करें. इट्स अप टू यू. मोस्टली केसेस में वो जो है वो इस्तेमाल नहीं की जा रही होती है. और हमारे पास क्या है OCI. अच्छा हाँ OCI का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे पास. लाइक क्या कि हमारे पास द OCI इज रिलेटिवली न्यू गवर्नेंस काउंसिल ऑर्गेनाइज अंडर द ऑस्पिस ऑफ द लिनक्स फाउंडेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैंडर्डाइज द मोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ कंटेनर इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इमेज फॉर्मेट एंड कंटेनर रन टाइम. ठीक है. अच्छा OCI क्या है. OCI बेसिकली हमने एक डॉकर की चीज़ हमें बताई है यानी रूल है यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने बताई है कि भाई आपने जो भी कोई चीज़ आप बनाएं तो उसकी इमेज की स्पेसिफिकेशन जो है ना वो ये होनी चाहिए और रन जब डॉकर जब आप चलाएं यानी कंटेनर को आप चलाएं तो उसकी रन टाइम की जो है ना स्पेसिफिकेशन यानी ये होनी चाहिए यानी उसने कुछ जो है वो स्टैंडर्ड्स बताएं. लाइक जैसे ही आप इमेज भी अगर आप देख रहे हैं तो उसमें क्या पटरी बनी हुई है और एक बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी पटरी बनी हुई है. तो पटरी का क्या होता है साइज जो होता है वो बिल्कुल हर जगह सेम होता है पटरियों का साइज. हाँ लेकिन उसके ऊपर जो बोगी बनी हुई होती है जो उसके ऊपर ट्रेन बनी हुई होती है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की वो डिफरेंट डिफरेंट उसमें पर्सनैलिटी इम्प्लीमेंट होती है. लेकिन जो मेन जो आपकी जो पटरी होती है वो एनी केसेस जो है वो सेम होती है. तो यही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि भाई OCI कि भाई हमने जो वो OCI इम्प्लीमेंटेशन की हुई हमने कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए हुए हैं इमेज बनाने के लिए और आपकी डॉकर जो है वो चलाने के लिए. अभी इमेज क्या होती है कैसे बनती है वो सब हम अभी सीखेंगे इन द टाइम. सही. एंड एनालॉग दैट्स ऑफन यूज व्हेन रेफरिंग टू दीज टू स्टैंडर्ड्स. भाई रेलवे ट्रैक की बात करिए नोबडी वांट्स टू कंपीटिंग स्टैंडर्ड फॉर रेल ट्रैक साइजेस. वही वाली मैंने अभी बात करी जो एग्जांपल समझाइए पिक्चर साइज से. तो वही वाली बात है कि आपकी जो वो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करना होता है उसके बाद आप कुछ भी जो है उस एप्लीकेशन के अंदर आप जो है वो चेंजेस कर सकते हैं लिखना चाहें आप कर सकते हैं कोई उसमें जो है वो इशू नहीं होता. इंस्टॉलिंग डॉकर. डॉकर तो हम इंस्टॉल कर चुके हैं लास्ट क्लास में बताया था कि कहाँ से इंस्टॉल करनी है. जिन्होंने डॉकर इंस्टॉल कर ली वो डॉकर वर्जन चेक कर सकते हैं -- वर्जन. अगर वर्जन रिटर्न हो रहा है इट मीन्स कि जो है वो डॉकर उनके पास जो सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल हो गया है. अच्छा जी ठीक है. यहाँ तक किसी का कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन. अभी तक हमने कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया है. अभी तक हमने जस्ट डॉकर की थोड़ी बहुत थ्योरी वो डिस्कस किया है. डॉकर कंटेनर के आने से पहले क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी उनको तो मतलब थोड़ा डिस्कस किया. उसमें सारी चीज़ों कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें प्लीज. ठीक नाइस. हाउ टू इंस्टॉल डॉकर. गुड क्वेश्चन. ये लास्ट क्लास में हमने देखा था बिल्कुल कि डॉकर किस तरीके से इंस्टॉल करना है. ये जो जिसने अली साहब ने सवाल किया ना आप यही सवाल अगर गूगल पे लिखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा. और पहली वेबसाइट ही है डॉकर की तो वो आप वहाँ से जो है वो 2-3 स्टेप्स बताएगा जिसको स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए जो है ना डॉकर इंस्टॉल कर सकते हैं. मैं अगर यहाँ पे देखूँ इंस्टॉल डॉकर. देखिए मेरे पास ये आ रहा है वो इसकी रिक्वायरमेंट्स बता रहा है मुझे. इंस्टॉलेशन मेथड आ गए. ये देखिए इंस्टॉल यूजिंग द रिपोजिटरी. ये आप एक एक करके जो है ना वो अपने पास चलाएं आपके पास जो है वो डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा. ये 2-3 स्टेप्स हैं बस. ठीक है. यस बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही यानी जिस तरीके से लिनक्स पे चल रहा होता है वैसे ही जो है वो विंडोज में भी वो जो है वो चल रहा है बिल्कुल कोई इशू नहीं होता. प्लीज शेयर डॉकर डाउनलोड लिंक. तो ये लें यहाँ से कर देता हूँ. कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है. नज़र नहीं आ रहा था मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई भी जब आ रहा है.
सही, ये भाई करते कुछ भी नजर नहीं आ रहा है गाइस। अच्छा जी, अच्छा Ubuntu, सबके पास Ubuntu ही भी, तो प्लीज उसी पे जो है वो विंडो का डॉकर इंस्टॉल करिएगा, ताकि जो है, क्योंकि हम आगे Kubernetes भी हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वो भी फिर हम जो है वो, क्योंकि उसमें हम डॉकर की इमेजेस को ही यूज कर रहे होंगे, तो वो जो है वो हम Ubuntu पे ही सारा काम कर रहे होंगे। लेक्चर्स अपलोड हैं ब्रो सारे, सिर्फ लास्ट क्लास का नहीं है, तो वो मैं पूछ लूंगा क्या इशू है उसमें, वो भी हो जाएगा जल्दी। अच्छा जी, और चाहे ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि डॉकर हब जिन लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किए, सॉरी डॉकर हब पे जिन लोगों ने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया अपना, वो प्लीज़ अपना अकाउंट बना लीजिएगा डॉकर हब पे। यहाँ पे जाके मैं इसका भी जो है वो आपको कहाँ गया हमारे पास, पर आपका भी कर दिया। लेक्चर्स जो है वो वहां पे YouTube पे अपलोड हुए हुए हैं, और इसका लिंक जो है वो WhatsApp ग्रुप पे शेयर हुआ हुआ है जी। देखें यहाँ पर आएंगे आप, तो यहाँ से आप जो है वो रजिस्टर कर लें, यहाँ बस पहले ही पेज खोल दिया, डॉकर आईडी लिखे आप अपनी। अच्छा, डॉकर आईडी कोशिश करिएगा प्लीज जो है वो, अच्छा एक यूज, जब हम GitHub की यूजर नेम की बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो आपका, सॉरी गिट का जो यूज़र नेम होता है आपका, वो भी और ये भी जो चीज़ होती है डॉकर आईडी या आपकी ईमेल आईडी, प्लीज़ कोशिश ये क्या करें कि इनको जो है ना थोड़ा सा मेच्योर वाला या थोड़ा सा नाम दें, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि ये आपका इंटरव्यू देने जाते हैं, तो ये वहाँ पे आपकी चीज़ें नोट हो रही होती हैं, देखा जा रहा है, लाइक आपका ईमेल एड्रेस भी देखा जा रहा होता है कि भाई वो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही कोई बच्चों वाला लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में बहुत काम आती हैं, तो इसी तरीके से जो आईडीज़ वगैरह होती हैं लाइक यूज़र नेम वगैरह, तो इसको प्लीज़ यूनिक रखिए और थोड़ा सा यानी मीनिंगफुल और थोड़ा सा यानी डिसेंट रखा करें प्लीज़, ठीक है। लाइक यूज़र नेम वगैरह, क्योंकि GitHub भी आपके लोग जो वो देख रहे होते हैं, क्लाइंट भी देख रहा होता है, तो ये थोड़ी सी चीज़ ये आपकी जो है ना वो प्रोफेशनल करियर में बहुत मैटर करती हैं। यहाँ पर आप आईडी दे दीजिएगा अपनी, कोई यूनिक ईमेल पासवर्ड देगा, तो ऐसे आपका जो है वो डॉकर हब पे जो है वो अकाउंट बन जाएगा। तो हम जितने भी इमेजेस बना रहे होंगे वो सारे हम यहाँ पे डॉकर हब पे जो है वो रख रहे होंगे, तो इस पे जरूर अपना जो है वो अकाउंट बना लीजिएगा प्लीज। आई एम यूजिंग Ubuntu ऑन विंडोज WSL। जी जी, WSL पे आप इंस्टॉल कर लें, यहाँ पे लिखें इंस्टॉल डॉकर ऑन W, मैंने मिल जाएगी कि भाई किस तरीके से जो WSL पे करना है, कोई इशू नहीं, आप मर्जी। आप WSL जिन्होंने वर्चुअल मशीन के थ्रू अलग से Ubuntu नहीं बनाई है, WSL के थ्रू जो है वो लिनक्स का एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है, तो हम वहाँ पे डॉकर इंस्टॉल करने कोई इशू नहीं है। या एग्जैक्टली अच्छा जी, और क्या था, यूट्यूब लिंक फॉर रिकॉर्डेड, किसी मेरे पास अभी है नहीं, किसी के पास अगर वो यूट्यूब का लिंक है जहाँ पे सर ने लेक्चर्स अपलोड किए, तो काइंडली यार प्लीज़ यार कोई यहाँ पे चैट पे ज़रा पोस्ट कर दे, ताकि वो मिल जाए किसी को जिनके पास नहीं है। ठीक है, अच्छे जी, हाँ क्या था मैं, ठीक है, अच्छा जी चलते हैं हम। डॉकर वर्जन चेक कर लेगा उसके बाद, ताकि आपको पास जो पता चल जाए, जैसे डॉकर वर्जन लिखेंगे तो आप बता देगा भाई सारी चीज़ें कि भाई आपकी जो है वो क्या उसका वर्जन है। डॉकर इंजन, ठीक है, अच्छा ठीक है, कुछ क्या शान कुछ कहना चाह रहे हैं आप, आपने हैंड रेस किया बता। नहीं
ताहिला है आप कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज बोलें। जी सर। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो डॉकर में जो कंटेनर्स होते हैं उसमें हम सिर्फ एप्लीकेशन ही रन कर सकते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी रन कर सकते हैं, कि जैसे हमारे पास, मैं विंडोज पे अगर डॉकर इंस्टॉल किया हुआ तो अब कंटेनर में मेरे पास लिनक्स, मैक ओएस या और इस टाइप की कोई चीज मैं रन कर सकती हूँ, रन कर सकती हूँ। जी जी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंटेनर्स भी हो सकते हैं। हाँ, आप यानी मेरे कंटेनर के अंदर मैं किसी भी टाइप का जो वो कोड रख सकता हूँ ना, मुझे कुछ रख सकता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कोई एप्लीकेशन ही हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, मैं करवा देता हूँ। ये यूट्यूब का लिंक जो है वो मैं व्हाट्सएप के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि वो बार बार शेयर करने से बोलूँगा। स्लाइड्स में दे चुका हूँ, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। मैं क्लास खत्म होने के बाद मैं ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ, कोई इशू नहीं, मैं दोबारा यहाँ शेयर कर देता हूँ। जी बोले जिशान, आपको कोई क्वेश्चन है? बोले बोले। अच्छा, वॉइस वर्क नहीं कर रही, ठीक है ठीक है। चलो कोई क्वेश्चन तो यहाँ पे चैट पे पूछ लें, कोई इशू नहीं है। हाउ टू इंस्टॉल डॉकर ऑन यूबंटू, मैं दिखा चुका हूँ अभी, ये वाले स्टेप्स हैं कुछ डॉकर के, हमने देखे थे, ये रहे, ये दो तीन स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका जो है वो डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। डॉकर इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद चेक करने का तरीके कार्ड जाए कि आप जो है वो डॉकर वर्जन चेक कर लें, तो अगर आपका वर्जन रिटर्न हो गया है इट मीन्स के जो है वो आपके पास जो है वो डॉकर इंस्टॉल हो गया, डॉकर माइनस माइनस वर्जन चेक कर लें वर्जन आ जाएगा। ठीक है, जी जहीर निशा। सर तो ये पूछी थी कह रही थी जो 1, 2 और 3 है लेक्चर वो तो हो गए हैं लोड, वो मैं कई दफ़ा देख चुकी हूँ, कल तक भी मैंने चेक किया, 4 और 5 अब तक नहीं आए। ठीक है, मैं बात कर लूँगा सर से क्या इशू है उसमें, कोशिश करूँगा कि आजकल मैं जैसे जितना जल्दी हो सके तो वो अपलोड हो जाए। ठीक है जी शाहिद साहब। सर ये डॉकर वायरलेस वायरस वर्जन की कमाल रन नहीं हो रही है, आपके रन नहीं हो रही क्या, डॉकर इंस्टॉल नहीं हुआ होगा? सर डॉकर में इंस्टॉल कर चुका हूँ लेकिन वहाँ पे एरर दे रहे हैं। एरर क्या दे रहे हैं? कमांड नॉट फाउंड आ रही है सर। कमांड नॉट फाउंड आ रही है ना, मतलब कि डॉकर इंस्टॉल नहीं हुआ है सही से, तो दोबारा इंस्टॉल देख लें दोबारा। हाँ उसको देख लें, यानी पहले अपनी जो प्रीवियस कमांड्स है ना उसको मैच कर लें जो कि आगे सही है या नहीं है, तो फिर दोबारा चला लिया, कोई इशू नहीं। ठीक है, दोबारा ठीक है। हाँ ये डॉकर माइनस माइनस वर्जन नहीं है, डॉकर स्पेस माइनस माइनस वर्जन है। अच्छा, अगर आप डॉकर यूँ लिख रहे होंगे ना जी जी, तो डॉकर माइनस माइनस वर्जन नहीं है। यहाँ पर अगर स्लाइड में देखो तो ये डॉकर के बाद स्पेस दिया हुआ है, उसके बाद माइनस माइनस वर्जन है। ठीक है, अब आ चुका है। ठीक है, अच्छा आज तक, आज के लिए मेरे ख्याल में यहीं तक रोकें या आगे चलें? मेरे ख्याल से क्या कहते हैं आप लोग, अच्छा ठीक है। बट मुझे अगर मैं क्लास यहाँ पर रोक लेता हूँ चले कोई मसला नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करें यार आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। गेट की हमने कमांड चलाई है, बहुत ज़्यादा कमांड चलाई है, सामने देखने में लग रहा होता है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन जब आप खुद लिखते हैं ना, खुद टाइप करते हैं तब कन्फ्यूज़न होती है कि क्या था क्या नहीं था। तो खुद से ज़रूर प्लीज़ प्रैक्टिस करें सारी चीज़ों की, ताकि आपको जो है ना ये गेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम मैं आज तक इस पर काम कर रहा हूँ, हर कोई इस पर काम कर रहा है, यानी ये आप ये समझें कि अगर आप इस फील्ड में रहते हैं आगे तक काम करते हैं तो ये आपका डेली का काम होगा गेट पे,
डेली आप कमेंट पुश कर रहे होंगे, डेली आप कुछ ना कुछ ऐड कर रहे होंगे, तो जरूर इस पे जो है ना वो प्लीज इस पे जो है ना वो इसके साथ खेलें, इस पे हाथ साफ करें, मल्टीपल चीज अपलोड करें, कमेंट करें, चेंजेस करें, कमेंट चेकआउट करें, डिफरेंट ब्रांचेस बनाएं, उससे मर्ज करें, ताकि आप सीखें इससे। तो इस पे जरूर जो है ना वो गेट पे जरूर हाथ साफ करेगा, ये मैं बहुत यानी बहुत ज़्यादा मशवरा है कि इस पे बहुत ज़्यादा इस पे चीज़ें आ रही होती हैं, और इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा सवाल हो रहे होते हैं इस पे गेट पे, और यानी बहुत यानी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे जितना भी कम आपको, तो प्लीज़ इसको लाइट मत देइएगा और इसकी ज़रूर ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। प्लस हमने आज डॉकर की जो है ना वो थोड़ा सा हिस्ट्री को भी डिस्कस किया है, जिसमें कि भाई डॉकर क्या होता है, डॉकर क्यों आया है, उसके आने से पहले क्या क्या चीज़ें होती थी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। इंस्टॉलेशन तक हम चले गए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कि उसके बाद अब क्या क्या चीज़ें हमारे पास बची हैं, तो फिर हम वहाँ से जो है वो डॉकर स्टार्ट कर रहे होंगे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स सर जी मैं बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ क्लास में आज भी कि मैंने सुन लिया है वो प्रीवियस लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, मैं सर से बात करके जो है वो आजकल में जो है वो अपलोड करवा दूंगा। और क्या है, एनी क्विज और असाइनमेंट नेक्स्ट वीक? क्विज अभी कोई नहीं है, क्विज जैसे ही होगा आपको पहले बताया जाएगा, ये मैंने लास्ट क्लास में भी क्लास में बोला था कि क्विज अभी नहीं है, जब वो तो मैं बता दूंगा, फिर वही ग्रुप पे तो सारे मैसेजेस आ रहे थे क्विज 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 का, तो खैर क्विज अभी नहीं है, क्विज जब होगा आपको डेफिनेटली जो है वो ग्रुप में जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई आपका इस दिन क्विज है और वो सारी चीज़ें। तो जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही तो कोई क्विज नहीं है आपका अभी फिलहाल, ठीक है। असाइनमेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि सारी चीज़ों की प्रैक्टिस है, ये जितने भी आपके हम कमांड्स सीख रहे हैं कमांड्स की प्रैक्टिस करें प्लीज़, जितनी ज़्यादा कमांड चलाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है ना वो प्रैक्टिस होगी और वो आपको जो है ना फिर वो याद रह जाएगी, रट्टा मारेंगे तो वो सारी चीज़ें भूल जाएंगी, जितनी बार लिखेंगे तो वो आपको जो है ना फिर वो याद रह जाती हैं। अच्छा, और क्या है, गिट की कमांड्स? हाँ, शायद मेरे पास एक रखी हुई होगी, एक शीट गिट शीट पड़ी होगी, मेरे पास नज़र आ जाएगी तो मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप पे। और कोई सवाल है किसी का? उसमें और भी बहुत सारा हाउ टू फाइंड मोर कमांड, वैसे नेट पे बहुत सारी कमांड्स पड़ी हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको गिट एक शीट सेंड कर दूं जिसमें बहुत सारा जो है ना वो कमांड्स लिखी होंगी। कुछ कमांड हमने जो है ना वो आज क्लास में चला के देख ली है, मैंने वही कमांड और मैंने वही प्रोसेस आपको चला के दिखाया जो कि मेनली कॉमनली जो यूज़ हो रहा होता है, नॉट नेसेसरी गिट में सिर्फ यही कमांड्स है, इसके अलावा भी और भी 10 और कमांड्स हैं वो कभी कभार यूज़ हो रही होती हैं, सही है। तो गिट के परस्पेक्टिव से, हाँ मुझे एक और चीज़ आता है, गिट के परस्पेक्टिव से पोर्टल पे गिट की पूरी वीडियो शेयर हुई हुई है, सर जेशान ने आई गेस रिकॉर्ड करवाई हुई है वो वीडियो, प्लीज़ वो गिट की ज़रूर वीडियो देखिएगा सारी, ठीक है। गिट के पोर्टल पे वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं, जो हमारी पुरानी जो पोर्टल पे अपलोड हुई हुई होती हैं वीडियोस, वो ज़रूर गिट की सारी वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा सन ने जो है वो ब्रीफली और भी डिफरेंट ब्रांचेस को जो और भी डिफरेंट कमांड को चला के सिखाया है, तो वहाँ से ज़रूर सीख लीजिएगा, ठीक है। चलें ठीक है, आई गेस और किसी का कोई सवाल नहीं है, मैं आपको कमांड्स का किसी ने बोला तो मैं भेज दूंगा, तौहीद ईसा आई गेस उनका कोई सवाल है, हैंड रेज हुआ है जी तौहीद। सर बस यही सवाल था कि ये जो गिट के कमांड है ना वो हमें सेंड कर दें तो हम प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। मैंने उस पर ये गिट की कमांड पे मैं फिर वही रिपीट कर दूँ, बाद मेरे पास एक शायद इमेज पड़ी हुई जिसमें बहुत ज़्यादा, या मेरे पास कोई लिंक होगा शायद जिसमें बहुत ज़्यादा कमांड्स दी हुई हैं गिट की, मैं आपके साथ वो डेफिनेटली शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, बट इसके अलावा भी गिट की जो है वो पूरी वीडियोस बनी हुई बहुत ज़्यादा पोर्टल पे पड़ी हुई है, वो ज़रूर जाके प्लीज़ सब देखिएगा, क्योंकि मैंने क्लास में सारी कमांड चला के नहीं सिखाई हैं, मैंने सिर्फ वो बताई हैं जो कि मेनली या कॉमनली जो है हमारे पास ज़्यादा 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 फ्रीक्वेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं, वरना इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जिसमें हमें कमांड चला रहे होते हैं, तो वो सारी उस पोर्टल पे वीडियोज़ में अवेलेबल हैं, प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही एंड अप करते हैं, किसी आगे और कोई सवाल नहीं है तो ठीक है, चलें गाइस, ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।